And shall we start today's क्लास? तो एग्जाम मैपिंग सीरीज चल रही है हमारी, और आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड मॉडर्न अलजेब्रा है, और बहुत ही मज़ा आएगा। क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, और नए नए क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे डेफिनेटली। तो कमेंट में बताओ सबसे पहले, क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हो? एवरीबडी इज रेडी? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हो? कमेंट में बताना, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले अनाउंसमेंट है। अगर आप अभी तक टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किए हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास 199 में आपको पूरी टेस्ट सीरीज विथ वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएगा, जिसमें हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो जर्नी है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम में आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, तो नए क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ठीक है, अगर स्किल नहीं है आपके अंदर, तो फिर एग्जाम में आपको बहुत समय लगेगा और पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को बनाइए बच्चों। ठीक है, तो फटाफट कमेंट में बताना क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हो। जस्ट टाइप रेडी वेन एवर यू आर रेडी। समय लगेगा। चलिए, आवाज और वीडियो परफेक्ट आ रहा है, एक बार कमेंट में कंफर्म करके बताइए, फिर हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। एवरीबडी इज रेडी? फटाफट कमेंट में बताना है ताकि हम सेशन जल्द से जल्द शुरुआत कर सके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नीता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग नीता। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है सभी से कि आज का सेशन जो है वो शेयर करना आपके सभी दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। ठीक है, अगर आप लेक्चर सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सवाल बच्चों। अगर मॉड जेड प्लस टू लेस इक्वल 9 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? ठीक है, व्हाट कुड बी दी मैक्सिमम वैल्यू, कमेंट में बताना मुझे फटाफट। क्या हो सकता है आंसर कमेंट में बताना है, और कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को वो भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड, डू इट क्विकली। सोनाक्षी, गीता, नीता, बस्तवकर, चलिए फटाफट बनाना है बच्चों, और कमेंट में मुझे बताओ क्या होगा इसका सही रिस्पॉन्स। होपफुली एवरीबडी कैन सी मी प्रॉपरली। क्या होना चाहिए? बी आएगा। चलिए पोल डाल रहा हूँ मैं, पोल को आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शंस है हमारे पास, ए, बी, सी एंड डी। तो फटाफट पोल को आंसर करिए, मुझे पता चले कि कौन सही बना रहा है, कौन गलत बना रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए चलो
चलो, ये स्ट्रीमिंग हमारा दोनों चैनल पे चल रहा है, ठीक है, नेट पे भी चल रहा है, IFS मैथ्स पे भी चल रहा है और IFS सेट प्रिपरेशन पे भी चल रहा है, तो आप दोनों पे देख सकते हो। बिकॉज मुझे कमेंट स्विच करना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स पे है, कुछ सेट पे है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाए ताकि मुझे कमेंट सबके दिखे। सभी सेट के चैनल पे आ जाना ताकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, एवरीबॉडी इज रेडी, भी आएगा। देखिए सॉल्यूशन, तो एक बार में पोल की चर्चा करते हैं। पोल आंसर किया है किसी ने? ओके, पोल हमारा क्रिएट नहीं हुआ था। ठीक है, अभी पोल भी क्रिएट हो गया है, आप फटाफट कमेंट में आंसर कर दो, मुझे बता देना। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, ये स्ट्रीमिंग हमारा इस मैपिंग सीरीज का जो टारगेटेड एमएस सेट 2024 के लिए, वो दोनों चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है। ठीक है, IFS सेट पे भी हो रहा है और IFS मैथ्स पे भी हो रहा है, तो किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना ताकि मुझे कमेंट में दिक्कत ना हो। चलिए, किसी का कमेंट छूटना नहीं चाहिए, इसलिए फटाफट बता देना क्या होगा आंसर। सो हियर जेड प्लस टू बच्चों लेस इक्वल 9 है और मैक्सिमम वैल्यू जाननी है हमें जेड प्लस 5 की बच्चों, क्या होगी? सो वी नो दैट जेड प्लस 5 क्या होता है, जेड प्लस 2 प्लस 3, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी दिस इज लेस इक्वल जेड प्लस 2 प्लस मॉड 3। ये क्वांटिटी क्या है, लेस इक्वल 9 है और ये मॉड 3 तो 3 रह जाएगा तो 12 आएगा, मतलब जेड प्लस 3 हमारा हमेशा 12 से कम होगा। मतलब अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं क्या होगा, सबसे ज़्यादा वो 12 हो सकता है। कमेंट में बताना समझ में आया है सबको, एवरीबडी आंसर डेस्ट। चलिए, तो होपफुली एवरीबडी आंसर्ड द क्वेश्चन। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी को क्लियर है सवाल? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट्स, इफ फंक्शन ओमेगा इक्वल टू कॉस जेड देन इज इट अनबाउंडेड एंटायर बाउंडेड इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बट नोवेर एनालिटिक अनबाउंडेड बट नोवेर एनालिटिक, व्हाट डू यू थिंक? गुड मॉर्निंग जतीन, आकांक्षा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए, पोल को होपफुली सभी ने आंसर किया होगा, तो IFS सेट चैनल पे मैंने पोल क्रिएट किया है, एक बार उसको वोट कर देना। बहुत बढ़िया, चलिए अगले सवाल के लिए ट्राई करना है सबको, कमेंट बॉक्स में बता देना। चलो, बना लिया सभी ने, बहुत बढ़िया। पोल डाल रहा हूं मैं, सभी आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शंस है, तो पोल मैंने IFS सेट चैनल पे क्रिएट किया है, तो आप पोल को आंसर करिए सबसे पहले। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फटाफट पोल को आंसर करिए, कमेंट में बताइए कि
क्या होगा हमारा सही आंसर, ओमेगा इक्वल टू कॉस जेड। क्या ये बाउंडेड है, एंटायर है, इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है? अभी इंजेक्टिव मतलब वन वन और सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। क्या ये फंक्शन बच्चों वन वन है? क्या कॉस जेड हमारा वन वन है या नहीं है? ठीक है, ओमेगा इक्वल टू कॉस जेड हमारा डेफिनेटली एनालिटिक ऑन सी है, तो एंटायर जरूर होगा, कॉस जेड इज एंटायर। ठीक है, बढ़िया है, एंटायर तो है। क्या ये अनबाउंडेड है? यस, सपोज पॉसिबल कॉस बाउंडेड है, सपोज कॉस जेड इज बाउंडेड, तो बाइलिवोलिस थ्योरम, लियोविलीज थ्योरम क्या कहता है? एवरी एंटायर अनबाउंडेड फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन कॉस जेड इज कॉन्स्टेंट। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? हमने गलत अज्यूम किया, इसीलिए हमारा अजम्पशन गलत है और कॉस जेड को अनबाउंडेड होना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, वरना लियोविलीज थ्योरम वायलेट करेगा वो। तो कॉस जेड हमने प्रूफ किया है अनबाउंडेड भी है, एंटायर भी है, तो ए सही होगा। बाकी चेक करने की जरूरत है क्या बाउंडेड है क्या? नो, ये भी गलत, नो वेयर एनालिटिक गलत है, सब जगह एनालिटिक है वो, एवरी वेयर एनालिटिक फंक्शन है ये। ठीक है, ऑन टू है क्या? हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना, ठीक है, अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे कि हमें बस एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, हमें अभी हर एक ऑप्शन को एनालाइज करना है ताकि ओवरऑल क्वेश्चन समझ में आए। कॉस जेड वन वन होगा तो क्या होगा? कॉस जीरो और कॉस टू पाए दोनों सेम है, बट जीरो और टू पाए सेम नहीं है, तो ये तो इंजेक्टिविटी फेल कर रहा है। ठीक है, वन वन नहीं है, ऑन टू है क्या? यस, ऑन टू तो है, बिकॉज कॉस सी क्या आता है? पूरा का पूरा सी, अगर रेंज हमारा कोडोमेन है तो ऑन टू भी होना चाहिए, तो इसी वजह से आप बोल सकते हो ये फंक्शन ऑन टू है बट वन वन नहीं है, ऑन टू है वन वन नहीं है, एंटायर भी है बाउंडेड नहीं है। ठीक है, कमेंट में बताओ सभी को क्लियर है ये एग्जाम्पल, एवरीबडी एंजॉयड दिस प्रॉब्लम, फटाफट कमेंट में बताना है। चलिए फटाफट कमेंट में मुझे बता दो, और पोल में एक बार देखते हैं, मेरे पास लगभग 9 वोट आए हैं, 9 वोट आए हैं ऑप्शन नंबर ए को, उसमें से 89% मतलब 7 वोट ए को दिए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाना बच्चों। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? ठीक है, अल्जेब्रिकली क्लोज्ड है, इंटीग्रल डोमेन है हमारी, फील्ड ऑर्डर फील्ड है, या सी आइसोमॉर्फिक है आर कॉमा आई को, व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए आंसर? ठीक है, इसके लिए मैं पोल डाल रहा हूं, तो जितने भी स्टूडेंट्स, ये हमारा फिर से एक बार बता, दोनों चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है, बट मैंने पोल डाला है IFH सेट चैनल पे, तो सभी IFH सेट चैनल पे जो पोल डाले उसको आंसर करिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? थर्ड है ना, ए बी सी एंड लास्ट वन इज डी। फटाफट पोल को आंसर करिए, कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट में बताइए आंसर द पोल। प्रकाश, सोनी, आकांक्षा, जतिन, बनाइए जरा। पेपर टू है, यस, ये पेपर टू चल रहा है मैथमेटिक्स का। ठीक है, बिकॉज सेट पे बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे पास प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
ध्यान रखना ये हमारा पेपर टू का चल रहा है। चलिए, सो व्हाट डू यू थिंक बच्चों, कौन सा सही है कौन सा गलत है? पहले देखते हैं हमारे सी प्लस अल्जेब्रिकली क्लोज्ड है। अल्जेब्रिकली क्लोज मतलब क्या है? अभी देखो हम बोलते हैं आर अल्जेब्रिकली क्लोज्ड नहीं, बिकॉज इसके ऊपर भी एक एक्सटेंशन है सी। सी के ऊपर कोई एक्सटेंशन है क्या? सी के ऊपर कोई नहीं, मतलब सी हमारा अल्जेब्रिकली क्लोज्ड फील्ड है। बिल्कुल सही है ये, बिकॉज इसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, क्या इंटीग्रल डोमेन है? हमें पता है सी हमारा फील्ड है। फील्ड है क्या है? एडी है। एडी है तो पीआईडी, पीआईडी है तो यूएफडी, यूएफडी है तो इंटीग्रल डोमेन। तो यस, फील्ड है तो आईडी होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कि नहीं है? पढ़ा है कि नहीं? फील्ड इज आईडी, फील्ड इक्लूडियन डोमेन होता है। ठीक है, इक्लूडियन डोमेन पीआईडी होता है, पीआईडी इज यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूएफडी हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है। ठीक है, इस वजह से बोल सकते हो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है, बट हमें नॉट करेक्ट वाले चाहिए। ठीक है, यस सी आइसोमॉर्फिक टू आर आई है। यस, सी हमारा आइसोमॉर्फिक आर आई से है। आप मैप डिफाइन कर सकते हैं लाइक दिस, एफ फ्रॉम, ठीक है, आर आई टू सी, और उसको क्या बोल सकते हो आप? आइसोमॉर्फिज्म बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आइसोमॉर्फिक भी है वो। ऑर्डर फील्ड है क्या? ऑर्डर फील्ड नहीं है। ऑर्डर मतलब कंपैरिजन नहीं हो सकता। अगर मैं बोलता हूँ टू बड़ा है या थ्री बड़ा है, आप बोलोगे सर थ्री बड़ा है, पर अगर मैं आपको पूछता हूँ टू आई बड़ा है या थ्री आई बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये बड़ा है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो थ्री आई इज नॉट, कंपेरिजन हो ही नहीं सकता। थ्री आई टू आई से बड़ा नहीं है, थ्री आई टू आई से छोटा भी नहीं है, और थ्री आई टू आई से इक्वल भी नहीं है। ये तीनों ट्रिकोटोमी लॉ बोलते हैं उसे, फेल हो रहा है, और इसी वजह से हमारा ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो फॉल्स वाला एक ही है, नॉट करेक्ट वाला बच्चों एक ही है, सी ऑप्शन। तो लगभग 60% स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल इंटीग्रल पे बेस्ड है, तो ट्राई टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट क्वेश्चन को बनाना है, कमेंट में आंसर कर सकते हो आप। चलो, सीमा, आकांक्षा, सोनू, प्रकाश, एवरीबडी इज रेडी, बहुत बढ़िया। चलिए, पोल को आंसर करना है जो मैंने आईएफएस सेट चैनल पे डाला है, बिकॉज ये स्ट्रीमिंग जो हो रहा है, नए स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये आज का सेशन दोनों चैनल पे स्ट्रीम हो रहा है, आईएफएस मैथ्स पे भी स्ट्रीम हो रहा है और हमारे आईएफएस सेट पे भी हो रहा है, सेट प्रेप, तो दोनों चैनल पे आप देख सकते हो। और मैंने पोल डाला है आईएफएस सेट पे, बिकॉज एक ही जगह पोल डाल सकते हैं हम। तो सेट चैनल पे जो पोल डाला है, हर क्वेश्चन का आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, और मुझे बताना है सही आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस बार, और आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है फंक्शन एफ जेड को ओवर दिस गामा। तो पोल डाल रहा हूं मैं अगले सवाल के लिए, आंसर करना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कैन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। चलिए,
क्या होगा आंसर? देखिए पहले फंक्शन देखिए, एफ जेड यू हैव गिवन दिस रैशनल फंक्शन 2 - z, जेड स्क्वायर प्लस 4, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड प्लस वाई, जेड माइनस वाई। ठीक है, सर्कल हमारे पास कितना है, 3 रेडियस वाला, सेंटर 0 पे है और रेडियस इसका 3 है। ठीक है, तो कौन से सिंगुलरिटी अंदर है, कौन से बाहर है? 2 अंदर है, ठीक है, ये -2 है, तो ये 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो 2 तो अंदर है। और कौन सा सिंगुलरिटी है, -2i +2i, तो ये 3 सिंगुलरिटी है, 2i अंदर है, -2i भी अंदर है, तो तीनों सिंगुलरिटीज हमारे पास अंदर है। तो क्या कर सकते हैं हम, एक्सटेंडेड वर्जन लगा सकते हैं हम रेसिड्यू थ्योरम का। क्या कहता है रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर गामा इज इक्वल्स, अगर तीनों सिंगुलरिटी अंदर है, सभी सिंगुलरिटी जब अंदर होते तो हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला यूज करते हैं, 2πi रेसिड्यू ऑफ 1/z² एफ ऑफ 1/z एट 0। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ही स्पेशल है और एक स्पेशल केस में ही यूज किया जाता है, वरना हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, 2πi समेशन ऑफ ऑल रेसिड्यूज, बट ये फॉर्मूला हर प्रॉब्लम के लिए काम करता है, बट हम स्पेशल केस के लिए वर्क कर रहे हैं जिसमें सभी के सभी सिमिलैरिटीज अंदर है गामा के। कभी कभी क्या होता है कुछ सिमिलैरिटी बाहर भी रहता है तो हमारा काम आसान होता है, बट इस बार काम आसान नहीं है बिकॉज 2 पे, -2i पे और 2i पे, तीनों पॉइंट्स पर रेसिड्यू निकालना है, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं एक ही पॉइंट पर रेसिड्यू निकालते 0 पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं अभी यूज करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या है। पहले फंक्शन इसको नाम देते कुछ जी जेड, तो जी जेड है क्या, जी जेड है 1/z² एफ ऑफ 1/z, क्या है एफ ऑफ 1/z, 1/2 - 1/z 1/z² + 4, करते सिंप्लीफाई, 2z - 1 1+4z² और ये z³ ऊपर जाएगा ये, और ये कैंसिल होगा, एक जेड फिर भी ऊपर बचेगा। अभी एक चीज आपने समझ लिया, जी जेड के पास 0 पे कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, इसका मतलब जी जेड इज एनालिटिक या रेगुलर बोल सकते हो, रेगुलर एट z = 0, और किसी पॉइंट पे फंक्शन रेगुलर होता है तो उस पॉइंट पे रेसिड्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है, रेगुलर पॉइंट पे या एनालिटिक पॉइंट पे रेसिड्यू 0 होगा, तो ये हमारा 0 आएगा आंसर। सो 2πi इंटू 0, 0 आएगा फाइनली। तो आंसर अगर 0 है तो क्या होगा, a प्लस आई बी इक्वल टू 0 प्लस आई 0, 0 प्लस आई 0, तो a भी 0 है और b भी 0 है। सी ऑप्शन जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरीके से सॉल्व करना होता है। कमेंट में बताना बच्चों ये सवाल क्लियर है सभी को, हाँ या ना। चलिए बच्चों, व्हाट डू यू थिंक, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल के लिए रेडी हो जाना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप अगर IFS के चैनल पे नए हो बच्चों और अभी तक आपने हमारे ऐप को एक्सप्लोर नहीं किया है तो डेफिनेटली डू विजिट, रजिस्टर करिए,
क्यों रजिस्टर करना है? टू एक्सेस द फ्री रिसोर्सेज. क्या रिसोर्सेज हम ऐप में प्रोवाइड किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? आपको इसमें डेमो वीडियोज मिल जाएंगे हर एक लेक्चर के, रियल के, कॉम्प्लेक्स के, इसके बाद हमारे अप्लाइड के वीडियोज मिलेंगे, ठीक है. टोपोलॉजी है, मैट्रिक्स स्पेसेस है, उसके बाद एग्जाम पेपर एनालिसिस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको जानना है 2022 के एग्जाम में रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, सभी पेपर का पता चल जाएगा. कट ऑफ कितना है, 2023 में क्या कट ऑफ गया था, ठीक है, 2020 में क्या कट ऑफ था, ठीक है. ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाता है, ठीक है, एससी एसटी ओपन कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाता है, सभी चीजें आपको देखने मिलेगी. फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री वीडियोस मिलेंगे, ठीक है, लेक्चर सीरीज, फ्री रैंकर स्ट्रेटजीज और महाराष्ट्र सेट के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको फ्री में एक्सेस करने मिलेंगी, ठीक है. तो आपको रजिस्टर करना है, ऑप्ट करिए महाराष्ट्र सेट और ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे. अगर आप एंड्रॉयड के यूज़र हो तो इसको स्कैन करिए, अगर आप एप्पल यूज़ करते हो, iOS यूज़र हो तो इसको स्कैन करिए, ठीक है, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो इधर से. और आपको बस नंबर एंटर करना है और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, ठीक है, अता पता, गांव कौन सा है, ब्लड ग्रुप क्या है, सब कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ नंबर आपको एंटर करना है, ऐप में लॉगिन हो जाओगे, ठीक है. जो नए यूजर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ मैं. अगला सवाल स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज बाउंडेड एज जेड वेरीज ओवर द कॉम्प्लेक्स प्लेन. जेड अगर मेरा वेरी हो रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो कौन से फंक्शन बाउंडेड हो जाएंगे? आपके पास अभी पोल मिलेगा, उसको आंसर करने की कोशिश करना. क्वेश्चन नंबर 6 है ना हमारे, ये 5th है. चलिए, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड, स्टार्ट डूइंग दिस, लेट मी नो द आंसर. चलिए टाइमर भी देता हूँ मैं और उसको आंसर करने की कोशिश करना. तो आसान सवाल है, एक ही मिनट का टाइम मिलेगा और ट्राई करिए. रेफरल कोड नहीं डालना है कुछ, ठीक है, जैसे उसको स्किप करके आगे बढ़ना और आप ऐप में लॉगिन हो जाओगे, ठीक है दिव्या. चलिए, इस सवाल का आंसर लगभग 56% स्टूडेंट ने सही दिया है, बाकी स्टूडेंट्स देखना क्या गलती हुआ है आपका. सबसे पहली चीज, चलो एक मिनट भी हो चुका है, आपका समय हो गया है समाप्त. चलिए तो सॉल्यूशन की तरफ रुख करते हैं बच्चों. पहला फंक्शन है ई की पावर जेड, क्या ये बाउंडेड है बच्चों? नो. क्यों बाउंडेड नहीं है? बिकॉज ये होगा ई रेस टू एक्स प्लस आई वाई, विच इज ई रेस टू एक्स ई रेस टू आई वाई. e-raise to x तो e-raise to x ही होगा, e-raise to iy का mod 1 होता है और ये infinity की तरफ जाएगा as x tends to infinity, और e-raise to infinity real में infinity होता है, ठीक है, x real पे दौड़ रहा है ना infinity की तरफ, इसीलिए ये unbounded होगा. तो ये तो bounded नहीं है. sin z के बारे में क्या ख्याल है? sin z
हमारा पता है एंटायर है, इफ साइन जेड बाउंडेड बनता है बच्चों, तो एंटायर एंड बाउंडेड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्ट्राडिक्शन, इसीलिए ये भी बाउंडेड होगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रूफ किया है कि साइन जेड भी क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसलिए साइन जेड को अनबाउंडेड ही होना पड़ेगा। सो वी हैव प्रूव्ड साइन जेड इज अनबाउंडेड। कैसे आएगा, बस नंबर एंटर करना होगा आपको ना, आपको सिर्फ नंबर एंटर करना होगा। चल मैं बता देता हूँ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल इस पे जाओगे आप आईएफएस, ठीक है, वेबसाइट पे गए जैसे आप, आपको बस नंबर एंटर करना है। तो इफ यू एंटर योर नंबर हियर, कोई भी नंबर डाल सकते हो आप। ठीक है, बस नंबर एंटर करने के बाद आपको ओटीपी डालना है बस, और कुछ नहीं है। जो भी ओटीपी आएगा एंटर करो, हो गया बस, किधर कुछ मांगा उसने। ठीक है, ये वेबसाइट पे जाके भी कर सकते हो, ये ऐप पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपको रेफरल की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, और डायरेक्टली आप एंटर करके लॉगिन, देखो 2 सेकंड लगते हैं ऐप में आने के लिए, और आपको सिलेक्ट करना है सेट में जाके, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो सेट में मैथमेटिक्स सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल सेट में आ गया मैं मैथमेटिकल साइंस, और इस पे आप देख सकते हो आपको सिलेबस मिलेगा, लर्न फ्री रिजल्ट है, एग्जाम डिटेल है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स आप देख सकते हो, पूरे 2023 तक पेपर है, 2011 से इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की कमी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर कट ऑफ भी आपको पता चलेगा, कट ऑफ कितना जाता है कैटेगरी वाइज, ओपन का कितना होता है, EWS, OBC, सभी चीज़ें, एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं, ये सभी चीज़ें इतनी अच्छे से इधर मेंशन किए गए, इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि विजिट करना। सिलेबस भी आपको दिया है पूरा, कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ना है, एनालिसिस में क्या पढ़ना है, लीनियर में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बच्चों। क्लियर है दिव्या? चलो होपफुली सभी को क्लियर हुआ होगा, करना क्या है, करना कैसा है। अंडरस्टूड, एक बार कमेंट में बताइए। तो यही चीजें आपको ऐप में भी दिखाई पड़ेगी फोन पे, ठीक है, या आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड दिव्या? चलिए, तो हमने देखा साइन जेड भी अनबाउंडेड है, साइन जेड अपॉन ई रेस टू जेड, तो अभी क्या ये बाउंडेड होगा बच्चों, हमें पता है साइन जेड अपॉन ई रेस टू जेड, ये क्या होगा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज ई रेस टू जेड कभी जीरो होगा नहीं, तो इसके पास सिमिलैरिटीज नहीं है पहली बात, तो साइन जेड ई रेस टू माइनस जेड, ये भी एंटायर फंक्शन है, ये एंटायर है, ये एंटायर है, सो डज देयर प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो बच्चों कि ये भी बच्चों एंटायर आना चाहिए, बोलो हाँ ना, क्लियर है सबको? चलिए बच्चों फटाफट बताना है, अंडरस्टूड? तो ये एंटायर है, अगर ये बाउंडेड हो गया तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन अगेन, तो ये भी अनबाउंडेड है, तो बचा सिर्फ डी। तो डी जिसने भी दिया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, बहुत बढ़िया। गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन बच्चों, ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप महाराष्ट्र सेट 2024 के लिए प्रिपेयर करो मैथमेटिकल साइंस, ठीक है, सब्जेक्ट से, तो 30 तारीख को सुबह 8 बजे एक मॉक टेस्ट होने वाला है, जैसे आपको 7 अप्रैल को एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है,
वैसे ही टेस्ट आपको 30 तारीख को, 30 मार्च को भी एक पेपर कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। तो सभी स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और एग्जाम से पहले आप कितने रेडी हो ये चेक कर सकते हो। तो क्या टाइमिंग है, सुबह 8 बजे, ओके, और तारीख क्या है, 30 तारीख सुबह 8 बजे से ये स्टार्ट होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ऐप में रजिस्टर करना होगा, तो आज ही जाइए पहले तो रजिस्टर करके लीजिए, बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन आप मॉक टेस्ट दे ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है नंबर डाल के, उसके बाद आप क्या करना है, जो हमारा IFS सेट मॉक टेस्ट है उस सेक्शन में जाके, मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में, ठीक है। तो रजिस्टर करके रखिए, देन विल डिस्कस इलेबोरेटली कि देना है कैसे। ये हमारे तीसरी मॉक टेस्ट है, इससे पहले 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट हो चुके हैं, वो भी आपको एक्सेस करने मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और डेफिनेटली आई विल रिकमेंड, ओके, आई विल इन्वाइट यू ऑल टू ज्वाइन दिस मॉक टेस्ट, ठीक है बच्चों। तो ये सिर्फ IFS की वेबसाइट पे कंडक्ट होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IFS वेबसाइट पे भी है और ऐप पे भी यही टेस्ट मिलेगा आपको। चलिए अगले सवाल के लिए रेडी हो जाना, इस सवाल का आंसर बताना क्या होगा। पोल डालता हूं, उसको भी आंसर करिए। तो क्या दिया है, एक फंक्शन दिया है आपके पास और रेसिड्यू फाइंड करना है फंक्शन का ओरिजिन पे। चलिए इस बार लगभग 4 स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है 1 मिनट के अंदर, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा आंसर देखिए, सो नोट, हर फंक्शन FZ इज इवन फंक्शन। क्यों इवन फंक्शन है, बिकॉज इधर इवन पावर है इसलिए यह इवन है, कॉस तो हमेशा इवन होता है, दो इवन फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन फिर से इवन होता है, इसलिए FZ इवन फंक्शन है। और हमें पता है जैसे फंक्शन इवन है रेसिड्यू हमेशा इवन फंक्शन का 0 होता है, रेसिड्यू 0 होगा तो आंसर ए आएगा। ये ट्रिक है, इवन फंक्शन का रेसिड्यू 0 होता है सिंगुलैरिटीज पे। इजी था ये वाला, चलिए कमेंट में बताइए बच्चों, एवरीबडी अंडरस्टूड, समझ में आया तो CC लिखना है, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, ए ग्रेटर देन ई है, इक्वेशन ई टू द पावर जेड इक्वल्स ए जेड स्क्वायर हैज एन रियल रूट्स इनसाइड द यूनिट डिस्क, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन।
क्वेश्चन समझ में आए सबको? चलिए बनाइए जरा, आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट सॉल्विंग दिस। पोल डालता हूँ मैं इसके लिए, यू कैन आंसर इट। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर किया है। ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सवाल को बनाएं। आपका समय शुरू होता है अब। और क्वेश्चन नंबर 7 में आई हैव गिवन यू ऑप्शंस। जीरो पे एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन इवन है तो रेसिड्यू जीरो आएगा। और रेसिड्यू आप आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है, भले वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो, पोल हो या एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों पे रेसिड्यू फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फटाफट बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। चलो इस सवाल का आंसर 4 स्टूडेंट्स ने अभी तक सॉल्व किया है ये सवाल, जिसमें से 3 का ए आया है और 1 स्टूडेंट का आंसर सी आया है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या अप्रोच होना चाहिए सही हमारा? चलिए बनाए इसे बच्चों, देखिए सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम राउचीज थ्योरम का यूज करने वाले हैं। राउचीज थ्योरम क्या कहता है? राउचीज थ्योरम तो बेसिक्स पहले जान लेते हैं, राउचीज थ्योरम होता क्या है। तो राउचीज थ्योरम कहता है अगर दो फंक्शंस हमारे पास दिए हैं एफ एंड जी, बोथ आर एनालिटिक, एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन क्लोज्ड कर्व सी, ओके, सच दैट मॉड एफ स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड जी ऑन सी, देन नंबर ऑफ जीरोज एट जी इक्वल्स नंबर ऑफ जीरोज एट एफ प्लस जी। ये राउचीज थ्योरम का, ठीक है, दुनिया का सबसे आसान स्टेटमेंट है। इससे और सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं हो सकता इसके पास। तो एफ और जी दो फंक्शन है, दोनों एनालिटिक है। अगर आप पोनुस्वामी का बुक रेफर करते हो आपको पता चलेगा ये लगभग 7 लाइन का, ठीक है, 6 से 7 लाइन का स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको आसान करके दिया है, दो एनालिटिक फंक्शन है, दोनों एनालिटिक है, किधर कर्व के अंदर, और जी डोमिनेट कर रहा है एफ को, ठीक है, सी कर्व पे। तो जितने रूट्स जी के पास है उतने ही रूट्स एफ और जी के एडिशन के पास होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए तो अभी हम क्या करते हैं कि हमें पता है जी ने डोमिनेट किया एफ को,
और एफ प्लस जी के पास रूट्स कितने होंगे, जितने जी के पास है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है बच्चों इसका जी क्या है और एफ क्या है। तो कंसिडर हमारा फंक्शन पी जेड को हम बोलते हैं बच्चों ई की पावर जेड माइनस ए जेड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसके जीरो निकाले, ये मैंने अंदर लेके गया ताकि एक पॉलिनोमियल एक फंक्शन बनाए। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पी जेड जस्ट अ एनालिटिक फंक्शन है। तो लेट इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे एफ और जी में। क्यों? बिकॉज राउसी थ्योरम अप्लाई करने के लिए दो फंक्शन की जरूरत है। तो जी किसको लेंगे? तो जी हमें कैसा लेना है, जिसका मॉड डोमिनेट करे। तो अभी इधर डोमिनेट कौन हो रहा है, ए हो रहा है ई से। तो हम जिसके अंदर ए है वो वाला टर्म को जी डिफाइन करेंगे। तो इसके अंदर ए है तो माइनस ए जेड स्क्वायर के ही अपन जी जेड डिफाइन करते हैं। एफ जेड बचा हुआ पॉलिनोमियल लिख दो, बचा हुआ फंक्शन लिख दो, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो एफ और जी मिले, क्या दोनों एनालिटिक है? यस, हमारे यूनिट डिस्क के अंदर। सी हमारे पास क्या है, यूनिट डिस्क के अंदर दोनों एनालिटिक है क्या? नोट, एफ एंड जी बोथ आर एनालिटिक विद इन एंड ऑन कर्व सी। और क्या होना चाहिए, जी डोमिनेट करना चाहिए। कर रहा है क्या, चेक करते हैं। तो मॉड एफ अपॉन जी की चर्चा करते हैं। मॉड एफ कितना है, ए की पावर जेड। मॉड जी कितना है, माइनस ए जेड का स्क्वायर। कैन वी राइट e रेस टू वन अपॉन ए इंटू वन, ये e अपॉन a आएगा। ये e अपॉन a क्या होगा बच्चों, हमें पता है तो इसका मतलब मॉड f अपॉन मॉड g स्ट्रिक्टली लेस देन वन है ऑन कर्व c। इसका मतलब मॉड f छोटा है मॉड g से ऑन c। आ गया कंडीशन। अभी क्या होगा, जितने रूट्स जी के पास दिख रहे हैं, कितने रूट्स है जी के पास, जी के पास तो दो रूट्स है, उतने ही रूट्स एफ और जी के एडिशन के पास होंगे। इट्स इम्प्लाइज नंबर ऑफ रूट्स जितने जी के पास है उतने ही एफ प्लस जी के पास भी होंगे। अभी जी के पास दो रूट्स है ना, तो इसीलिए एफ प्लस जी मतलब ही हमारा पी जेड। सो हम बोल सकते हैं पी जेड हैज टू रूट्स इन सी कर्व। तो अभी आंसर कंप्लीट हुआ है क्या हमारा? नो, हमें पूछा है। आवाज आ रही है सबको बच्चों? एवरीबॉडी आवाज आ रही है मेरी आप तक? हेलो हेलो, एवरीबॉडी वॉइसेस ओके? चलिए, तो अभी हमें देखना है ये दो रूट्स है वो क्या दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स है या रियल है, बिकॉज उन्होंने बात की है रियल रूट्स की। तो दो रूट्स तो कर्व के अंदर है, बट क्या वो दोनों के दोनों रियल है, कॉम्प्लेक्स है, या एक रियल है एक कॉम्प्लेक्स है, ये जानना है। ठीक है, तो एक चीज तो हमने जान ली कि सर्कल हमारा यूनिट डिस्क है, ध्यान से देखना। अभी रियल रूट्स की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको रियल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। पी एक्स क्या है, ए रेस टू एक्स माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो हमें यूनिट सर्कल के अंदर बात करनी है। पी ऑफ माइनस वन क्या होगा, ए रेस टू माइनस वन इंटू ए, तो ये क्या आएगा, वन बाई ए माइनस ए, ये तो नेगेटिव होगा। तो पी ऑफ माइनस वन पे हमारा जो ग्राफ आएगा माइनस वन का, वो नेगेटिव होने वाला है ना। तो इधर किधर इमेज लेट से नेगेटिव इमेज, जीरो पे कितना है, जीरो पे बात करें तो ये आएगा ई रेस टू जीरो माइनस जीरो, तो ये वन पॉजिटिव आया। जीरो पे कुछ पॉजिटिव है, जीरो पे वन है इनफैक्ट ना, बाउंड्री पे आएगा एग्जैक्टली। पी ऑफ वन कितना है, ई माइनस ए, ई माइनस ए क्या होगा, अगर ए ई से बड़ा है तो ई माइनस ए नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव है। तुम वन पे भी नेगेटिव आ रहा है कुछ वैल्यू,
तो एक चीज आपने समझ ली कि इसका जो ग्राफ आने वाला है रियल में ऐसा होगा। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों जो रेट्स रूट्स है पी एक्स के वो कैसे रियल एक्सिस पे है कि नहीं। तो ये रूट्स रियल है, मतलब जो दो रूट्स आए हैं नोट बोथ रूट्स आर रियल आर रियल। समझ में आ रहा है रियल में कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज कॉम्प्लेक्स में हम फंक्शन का ग्राफ नहीं बना पाते, और डेफिनेटली अगर रियल रूट्स होने वाले हैं तो रियल पॉलिनोमियल्स ही आएंगे, ठीक है। और इसीलिए आपने देखा ये दोनों के दोनों रूट्स सर्कल के अंदर रियल होने वाले हैं। तो एन कितना हुआ हमारा बच्चों, तो रियल रूट इसके पास दो है। समझ में आया तो बता देना एक बार। चलिए एवरीबॉडी अंडरस्टूड, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लिखना है किसी को तो बोल सकते हो मुझे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये सवाल जो है राउची थ्योरम पे बेस्ड था, तो मैंने स्टेटमेंट लिखा पहले, उसको एक्सप्लेन किया और उसको यूज किया प्रॉब्लम में, ठीक है। चलिए अगले सवाल की चर्चा करेंगे। इंटीग्रेशन आई यू हैव गिवन ओवर गामा रियल पार्ट ऑफ जेड डी जेड ओवर गामा इज एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स वन, ठीक है। बनाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है पोल डाल रहा है इसके लिए, यू कैन आंसर इट। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो हमारा था वो क्या था, सी था, जो कि लगभग 33% स्टूडेंट ने आंसर किया था, बाकी सबका आंसर गलत था। चलिए कोई बात नहीं, अगले सवाल को सही से सॉल्व करने की कोशिश करिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बच्चों फटाफट बनाने की कोशिश करिए।
चलिए बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर बताना है। चार वोट आए अभी तक। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी इसके जगह पे लेट्स से एक्स स्क्वायर अपॉन फोर वाई स्क्वायर अपॉन नाइन इक्वल टू वन दिया जाएगा। तो फॉर्मूला आपको पता, एक बार इसको सॉल्व कर लिया तो आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस उस फॉर्मूला में ए और बी का वैल्यू पुट करो। ए हमारा दो है, बी हमारा थ्री है। बस ए और बी का वैल्यू निकाल लोगे और जो भी सही आंसर है उसमें पुट करोगे। तो सही आंसर है क्या पहले जानते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चे, क्या करते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड इसको एनालिटिक समझते हैं। एनालिटिक फंक्शन है, कर क्लोज्ड है तो इंटीग्रल जीरो बोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये फंक्शन पहले एनालिटिक है सच में या नहीं चेक करना है। रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब एक्स, एक्स क्या होता है जेड प्लस जेड बार बाई टू। किधर से एनालिटिक होगा ये, इट इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन, इसीलिए काउची थ्योरम इधर यूज नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे इसको पैरामीटराइज करेंगे। तो व्हाट इज पैरामीटराइजेशन ऑफ एलिप्स, एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। ठीक बच्चों, तो इससे होगा क्या, जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई होता है विच इज ए कॉस थीटा प्लस आई बी साइन थीटा। इससे हमारा डी जेड क्या होगा बच्चों, माइनस ए साइन थीटा प्लस आई बी कॉस थीटा, बाहर डी थीटा मैंडेटरी। तो डी जेड आ गया, एक्स हमारे पास रेडीमेड है, बस पुट करना है इसके अंदर इंटीग्रेशन। एक्स मतलब एक्स डी जेड ओवर गामा। एक्स कितना हमारे पास ए कॉस थीटा, डी जेड कितना निकाला हमने माइनस ए साइन थीटा प्लस आई बी कॉस थीटा। थीटा जीरो टू टू पाई जा रहा है, पूरा सर्कल घूम के आ रहा है मतलब। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा इनको मल्टीप्लाइड करेंगे। सो क्या आएगा मल्टीप्लाइड करने के बाद, जीरो टू टू पाई, ये होगा माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आई ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, बस इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा। क्या होगा इंटीग्रेशन, इफ यू वांट यू कैन एडजस्ट टू, तो होगा माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन टू थीटा डी थीटा। ये आई ए बी जीरो टू टू पाई कॉस स्क्वायर मतलब वन प्लस कॉस टू थीटा बाई टू डी थीटा। ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा बिकॉज टू पाई पीरियोडिक है। कॉस टू थीटा अपॉन टू ओवर जीरो टू टू पाई जीरो होने वाला लिमिट्स। आई ए बी बाई टू, फिर से कॉस टू थीटा का भी जीरो होगा, वन का आंसर आएगा थीटा, थीटा ओवर जीरो टू टू पाई टू टू कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आई ए बी पाई। हो गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। कमेंट में बताओ बच्चों सभी को क्लियर है। एक बार कमेंट में बताना समझ में आया है तो जस्ट टाइप करिए अंडरस्टूड। अगर समझ में आया तो टाइप करिए अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और सवालों को चर्चा करेंगे हम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द स्क्रीन, सी क्लोज कर दिया है और इंटीग्रल जेड क्यूब डी जेड कितना होगा।
बहुत बढ़िया बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर? पोल डालता हूं, नया आंसर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर हमारा 8th है। चलो क्या होगा आंसर इसका? देखो बहुत आसान है, इस बार फंक्शन हमारे पास z³ dz दिया है, कर्व क्लोज्ड है, तो सी हमारे पास मॉड z इक्वल्स टू आर। आर हमारा रेडियस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रेडियस होगा। ये पॉजिटिव रेडियस मतलब कुछ भी हो सकता है, 0.00001 ये भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमारा फंक्शन क्या है? एंटायर है, नोट z³ इज एंटायर, तो एनालिटिक भी है, एनालिटिक फंक्शन है। सो बाय काउची थ्योरम, कर्व भी क्लोज्ड है बाय काउची थ्योरम, अगेन से इंटीग्रेशन z³ dz डायरेक्टली जीरो आएगा। यस सर नो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी रेडियस के लिए काम कर जाएगा ये। यस सर नो, चलिए अगला सवाल। डिटरमाइन नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ z^6 -5z^4 +z³ -2z इनसाइड द यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल के अंदर इस फंक्शन के पास कितने रूट्स हो सकते हैं? स्टार्ट डूइंग दिस। What do you think would be the correct response to this? चलिए बच्चों फटाफट बनाना है, क्या होगा आंसर? आंसर किया है किसी ने? देखिए सो pz नाम देते हैं इसको, z^6 5z^4 z³ -2z। क्या करते हैं हम pz को दो हिस्सों में बांटते हैं, ब्रेक करते हैं fz एंड gz। तो fz हमारे पास कितना है बच्चों और gz कितना है, ये आपको इंस्पेक्शन से पता चलेगा। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही gz लेना है यही fz लेना है, तो आपको ये प्रैक्टिस से डेवलप करना होगा। तो अगर आप देखें यूनिट सर्कल है तो सबसे ज्यादा कोएफिशिएंट z^4 का है, तो इसको ही क्यों ना हम z कंसिडर करें। यूनिट सर्कल होता है तो एक चीज बता सकते हैं हम कि हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट वाला काम करेगा, बट सर्कल अगर लेट्स से दो रेडियस वाला होता, तीन रेडियस वाला होता तो हमें थोड़ा इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो fz बचा हुआ सभी लिख दो इधर, z^6 z^3 -2z। ठीक है, अगर आप गलत gz लेते हो तो f आपको कभी भी लेस देन gz नहीं मिलेगा, तो ऐसा ही gz चूज करना है जो डोमिनेट करे f को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डोमिनेट कर रहा है कि नहीं।
एफ अपॉन जी, और जी के अंदर सिंगल टर्म होना चाहिए हमेशा, ठीक है, यह ध्यान रखना है। ये क्या होगा, लेस इक्वल मॉड जेड रेस टू सिक्स प्लस मॉड जेड रेस टू थ्री प्लस टू टाइम मॉड जेड अपॉन फाइव टाइम मॉड जेड रेस टू फोर। तो क्या आएगा, मॉड जेड वन है तो वन प्लस वन प्लस टू अपॉन फाइव, तो ये आएगा फोर बाय फाइव, स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। तो मॉड एफ स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड जी ऑन सर्कल सी, तो जितने रूट जी के पास है उतने बच्चों एफ और जी के पास होने चाहिए। एफ और जी के पास कितने रूट्स होंगे, जितने जी के पास है, जी के पास तो चार रूट्स है, ठीक है, तो एफ प्लस जी मतलब ये हमारा पी जेड, तो पी जेड हैज फोर रूट्स, दिख रहा है, पी जेड के पास फोर रूट्स इनसाइड यूनिट सर्कल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। कमेंट में बताओ बच्चों, क्लियर है सबको? चलिए, एफ एनालिटिक है, डिफाइन ए आर एज, ए आर इज द अपर बाउंड ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ, देन ए आर बाउंडेड, ए आर इज बाउंडेड, देन क्या होगा, एफ कॉन्स्टेंट होगा, एफ पॉलीनोमियल होगा, पीरियोडिक होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। क्या दिया है, एफ एनालिटिक है, सी पे मतलब एफ एंटायर है, और ए आर अपर बाउंड है हमारे रियल पार्ट ऑफ एफ का। ठीक है, तो ये अपर बाउंड है रियल पार्ट ऑफ एफ का, मतलब यू इज बाउंडेड बाय ए आर, ए आर अगर बाउंडेड है, ए आर लेट से बाउंडेड बाय सी है, तो यू भी बाउंडेड हो गया फिर सी से, अगर यू बाउंडेड है सी से तो क्या होगा, हमारा एफ कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है तो ए सही आएगा। अभी कॉन्स्टेंट भी पॉलिनोमियल भी होता है तो बी भी सही होगा, बट एक ही ऑप्शन सही होता है इसमें से, तो ए सही हम बोल सकते हैं, एफ को कॉन्स्टेंट है मोस्ट अप्रोप्रिएट सेट एग्जाम में, वही एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स का आखिरी सवाल था, इसके बाद गौरव सर आपके साथ जुड़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो गिव अस अ मिनट टू चेंज द पीपीटी एंड सेट अप द न्यू पीपीटी। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल। प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट्स, सेशन अभी दूसरा स्टार्ट होगा इस पे ही।
Hello and good morning, everyone. I guess everything fine, audible and visible properly. Let me know once it's all good. If everything fine, then we will start with the first question. Question practice हम लोग कर रहे हैं. मैं आपको स्ट्रक्चरल अलजेब्रा में भी रिंग थ्योरी और फील्ड थ्योरी के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. तो जल्दी से मुझे बताइए सब कुछ ठीक है. कैन बी स्टार्ट. ऑल गुड. ओके, आई सपोज दैट एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ठीक है ना. प्रॉपर ऑडिबल और विजुअल हूँ मैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से. गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए. जो भी क्वेश्चन आप बना लेते हो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पाते हो तो हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे उसको, है ना. आपको लीव नहीं करना है, ट्राई करनी है कि आप पहले अपने आप बना लो क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपको अपने आप ही बनाने हैं. देखो और जल्दी से आंसर करो इसका क्या आएगा. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन द रिंग ZY105Z. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इन द रिंग ZY105Z. अगर किसी ने CSIR NET 2023 का एग्जाम दिया था तो वो ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया था. बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा. व्हाट डू यू थिंक. ओके, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वागेसरी यू थिंक 2 आएगा. वी विल सी दैट 2 आएगा या फिर नहीं आएगा. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ऐसे कितने एलिमेंट होंगे इस रिंग में जो सेटिस्फाई करेंगे, है ना. शिवानी यू थिंक बी. ओके, वी विल सी दैट. सी इसका मतलब क्या है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ एक्स विल डिवाइड 2, करेक्ट. और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, है ना, ये हमें ध्यान रखना है. ओके, जतिन फाइन, वी विल सी दैट. तो ऑर्डर ऑफ एक्स विल डिवाइड 2 को डिवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में जो भी एक्स का ऑर्डर आना चाहिए वो 2 को डिवाइड करना चाहिए. मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 और 2, या तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट या फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं देखना है आपको. विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मतलब ZY105Z स्टार, ये जो ग्रुप बनेगा इसमें आपको देखना है. एंड दिस इज नथिंग बट Z105, ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है. Z105 स्टार एंड दिस इज नथिंग बट U105 में आपको एलिमेंट्स देखने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर जिनका ऑर्डर या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ये आपको देखना है, है ना. आप फिर से सोचो और फिर आंसर करो. जो लोग आप 2 आंसर कर रहे हो गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा. फिर से सोचो और फिर आंसर करो. प्रियंका एब्सोल्युटली करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर. कितने एलिमेंट होंगे, 8 एलिमेंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. इज दैट क्लियर अजीत. 2, ओके फाइन, वी विल सी दैट. सी एक्चुअली डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 8 आएंगे क्योंकि U105 को आप ब्रेक कर सकते हो. U105 किसके आइसोमॉर्फिक होगा. दिस इज इक्वल्स टू U3 × 7 और लेट मी से 5 × 7, एम आई राइट. 3 × 5 × 7 करेंगे 105 आ जाएगा. देखो करके, लेट मी चेक इट. 3 × 5 × 7, करेक्ट. तो 105 को ऐसे लिख सकते हैं, ये रिलेटिवली प्राइम है तो इनको अलग अलग कर लेंगे. U3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट U5 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट U7, करेक्ट. नाउ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U3 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2, UP इज आइसोमॉर्फिक टू ZP-1. सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. U5 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z4. U7 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के. अब इस ग्रुप में आपको 1 या फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट देखना है कि कितने होंगे. बहुत सिंपल है, आप यहां से कोई 1 या 2 ऑर्डर का एलिमेंट पिक करो. यहां पर दो चॉइसेस है, 1 या 2 ऑर्डर का. यहां से आप 1 या 2 ऑर्डर का एलिमेंट पिक करो या फिर यहां से 1 या 2 ऑर्डर का एलिमेंट पिक करो, राइट. आपको हमेशा 1 या 2 ऑर्डर का ही एलिमेंट मिलेगा. शायद यहां पर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं. कौन सा ग्रुप है हमारे पास, Z2 क्रॉस Z4 क्रॉस Z6 क्रॉस या फिर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट. इसमें आपको
ऐसे एलिमेंट देख रहे हैं जिनका ऑर्डर या तो वन होगा या फिर टू होगा, तो आप क्या करोगे, यहां से वन या टू ऑर्डर का एलिमेंट पिक करो, यहां से वन या टू ऑर्डर का एलिमेंट पिक करो, यहां से वन या टू ऑर्डर का एलिमेंट पिक करोगे, तो जो भी एलिमेंट फाइनल बनेगा उसका ऑर्डर या तो वन होगा या फिर टू होगा, और उसके अलावा कोई वन या टू ऑर्डर का एलिमेंट हो भी नहीं सकता, करेक्ट ही नहीं, क्योंकि वन या टू ऑर्डर का एलिमेंट बनाने के लिए या तो आपको हर एक ग्रुप से वन ऑर्डर का या टू ऑर्डर का एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो टोटल चॉइसेस कितनी है, यहाँ पे एलिमेंट के लिए दो चॉइसेस है, यहाँ पे दो चॉइसेस है, यहाँ पे भी कितनी चॉइसेस है, दो, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो गई, 2 to the power 3 विच इज इक्वल्स टू 8, तो टोटल आपको 8 एलिमेंट मिल जाएंगे इस ग्रुप में जिनका ऑर्डर या तो वन होगा या टू होगा, जो कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन को सेटिस्फाई करेंगे। उम्मीद है सबको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो अगर आप कमेंट करके पूछोगे तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा, जल्दी से बताइए इज दैट क्लियर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है सबको क्लियर है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा। इन द रिंग ऑफ इंटीजर्स द फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। रिंग ऑफ इंटीजर्स मतलब जेड में आपको बताना है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। देखो सोचो और फिर आंसर करो, जेड में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है ये आपको बताना है। Every ideal is principal, क्या Z का हर एक ideal principal होता है। Every non-zero prime ideal is maximal, हर एक non-zero prime ideal maximal होता है Z में। Every principal ideal is maximal, every maximal ideal is prime. Sorry, every prime ideal is maximal and then every maximal ideal is prime. What do you think is the correct option? आराम से answer करिए, कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको देखना है कि कैसे कर सकते हैं ना, क्या आप miss कर रहे थे, जल्दी से आंसर करो, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन। जेड तो आपने बहुत पढ़ा होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, तो जेड के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं पता है, हा? क्योंकि सबसे पहला रिंग जो स्टार्ट होता है, रिंग पढ़ना आप शुरू करते हो तो सबसे पहला रिंग का क्या एग्जांपल लेते हैं, डेमोन, यू थिंक सी करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी इज द फॉल्स ऑप्शन फॉर करेक्ट, दिनेश आपका क्या नाम है, भाग्यश्री, वी नहीं, वी एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन है, वी विल सी दैट, है ना, नहीं तो शी इज करेक्ट। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाई दिस इज करेक्ट। सी, जेड के बारे में पहला है एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, इसमें बताइए क्या ही प्रॉब्लम है, जतिन ठीक है फाइन, वी विल सी दैट, तो ई कैसे हो सकता है, वी नो दैट दिस इज करेक्ट, जेड इज द प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, दिस इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और इसका डेफिनेशन ही होता है, यही होता है कि एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल। ओके सोनाक्षी एंड शिवानी, वी विल सी दैट, सो एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नॉट ओनली फॉर जेड, दिस इज करेक्ट फॉर एनी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, चाहिए तो आप कहीं पे लिख भी सकते हो इसको, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जेड एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है इसलिए, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं है, बट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन में करेक्ट है। एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल, जब यहाँ पे हमने नॉन जीरो बोला इसका मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा कि जीरो नहीं कंसिडर किया है ना, तो एवरी प्राइम आइडियल मैक्सिमल नहीं होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज जीरो इज ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड, इज ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड बट नॉट मैक्सिमल, ये प्राइम आइडियल होता है, और एक चीज याद कर लीजिए कि जीरो तभी प्राइम आइडियल होता है जब रिंग कैसा हो, इंटीग्रल डोमेन हो, तो क्योंकि जेड इंटीग्रल डोमेन है तो ये प्राइम आइडियल हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं है ना, और मैक्सिमल क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर आइडियल जेड के हैं जो इसको कंटेन करते हैं, बहुत सारे के, लगभग सारे नॉन जीरो आइडियल्स हैं, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम, ये तो वैसे ही हर एक रिंग में करेक्ट होता है, एक सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए एंड इसका आंसर बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए और फिर बताइए इसका क्या आंसर करेक्ट होगा। करेक्ट गमन, सी जीरो आइडियल से आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ट्राई दिस एंड लेट मी नो द आंसर, शायद आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देखिए प्रॉपर, मैं साइड में हो जाता हूं।
ओके डिड यू फाइंड समथिंग जिसका क्या आंसर हो सकता है हेंस फॉल्स करेक्ट यू आर राइट सो दिवेश यू थिंक डी करेक्ट है फाइन और बताइए बाकी सब इसका आंसर करिए व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन देखिए क्या है लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई मॉडुलो पी दिस ओके फाइन वी विल सी दैट नीता डी एंड सोनाक्षी डी इज करेक्ट एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स ओके लेट्स सी दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस बी द पॉलिनोमियल्स इन जेड एक्स के दो पॉलिनोमियल है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक से ध्यान रखिए जब आर ट्रू लिखा है तो एक से ज्यादा हो सकता है ना आपको सारे चेक करने चाहिए आई डू एग्री कि आपके एग्जाम में नहीं आते हैं एमएसक्यू है ना सो इट इज एमएसक्यू क्वेश्चन तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए चलिए चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आएगा कि तब फाइन ओके सो पहला ऑप्शन क्या है फॉर ऑल प्राइम नंबर्स पी एफ ऑफ एक्स मॉडुलो पी इज इरिड्यूसिबल इन जेड बाई पी जेड एक्स इसका कोई काउंटर एग्जाम्पल बताएगा मुझे वन का ऑप्शन नंबर वन का कोई काउंटर एग्जाम्पल आपके पास है डेमोन ठीक है फाइन वी विल सी दैट दिवेश थ्री कंसीडर कर सकते हैं वेरी गुड राइट एम डी यू थिंक डी करेक्ट है फाइन सो इफ यू सी वी कैन कंसीडर थ्री इसके लिए काउंटर एग्जाम्पल क्या हो सकता है अगर मैं पी इक्वल्स टू थ्री कंसीडर कर लूँ देन यू कैन सी दैट इसके पास वन रूट हो जाएगा इन जेड थ्री अगर मैं जेड थ्री फील लूँ लेट्स से पी इक्वल्स टू थ्री मतलब जेड थ्री अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो ओवर जेड थ्री ये पॉलिनोमियल कैसा है रिड्यूसेबल है क्योंकि वन क्या हो जाएगा आपका रूट हो जाएगा करेक्ट और नॉट राइट करेक्ट बिकॉज वी विल कंसीडर है ना एम डी यू राइट डेमोन करेक्ट Jatin, you are right. Ajit, D is correct. Okay, fine. We will see that. Nita, Z3. Okay, fine. So, Z3, if you consider this, then this will be discarded. For all the prime numbers, P, F of X modulo P is irreducible. This is wrong. Because if I take Z3, then 1 is root of this polynomial in Z3. It means that this is reducible. So, for all prime P, this will be wrong. Next. There exists a prime number P such that GX modulo P is irreducible in Z by P, ZX. This is also wrong. Why is it wrong? Because if you consider any prime, consider this पास वन हमेशा रूट होगा वन इज ऑलवेज ए रूट कोई भी प्राइम पी आप कंसीडर कर लो जी ऑफ वन अगर निकालोगे पहले तो ओवर प्राइम पी अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं लेट मी से ओवर जेड पी अगर ओवर जेड पी आप इस पॉलिनोमियल को देखोगे किसी भी प्राइम पी के लिए तो ये जी एक्स कैसा हो जाएगा जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसमें तो अगर मॉडुलो एक्स लो भी ले भी लेंगे हम मॉडुलो पी तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस टू का क्या मतलब है माइनस टू का मतलब है टू का एडिटिव इनवर्स इन जेड पी तो वो क्या हो जाएगा विच इज नथिंग बट प्लस पी माइनस टू डू यू एग्री या नॉट प्लस पी माइनस टू ये पॉलिनोमियल है ओवर जेड पी नाउ अगर मैं जी ऑफ वन निकालू दिख रहा है आपको जी ऑफ वन कितना हो जाएगा वन प्लस वन एंड प्लस पी माइनस टू P माइनस टू ये टू से ये कैंसिल आउट हो गया क्या बच्चा P और जैसे ही मैं मॉडुलो P लूंगा तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो कोई भी प्राइम P आप कंसिडर करिए वन इज ऑलवेज रूट या फिर डायरेक्ट भी आप देख सकते हो G ऑफ वन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो रहा है जीरो हो रहा है या ऐसे देख सकते हो ओवर जेड पी में आप देख सकते हो ठीक है करेक्ट है तो वन हमेशा क्या है आपका रूट है इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा देर इज नो प्राइम पी सच दैट जी एक्स मॉडुलो पी इज इरिड्यूसिबल कोई भी प्राइम ले लीजिए कभी भी इरिड्यूसिबल नहीं होगा क्योंकि हर एक प्राइम में वन हमेशा आपका रूट होगा नेक्स्ट जी एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स और एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स तो जी एक्स तो इरिड्यूसिबल होने से ही रहा वन तो रूट दिख ही रहा है जी ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो क्यू में भी रूट है तो रिड्यूसिबल हो गया फिर बच्चा ये एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स ये आपका इरिड्यूसिबल हो जाएगा ये साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल है बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है ना सो दिस इज अ साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल या फिर आपने कुछ लोगों ने पी टेस्ट भी यूज किया तो बिल्कुल कर सकते हो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना सो एफ ऑफ एक्स इज इरिड्यूसिबल इन क्यू एक्स दिस इज करेक्ट ऑप्शन फोर इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन हालांकि एमएसक्यू है पता नहीं एमएसक्यू है भी या नहीं क्योंकि 37 नंबर है ये और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी नेट का तो एमसीक्यू ही शायद रहा होगा बट एनीवे लास्ट ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन उम्मीद है सबको क्लियर होगा अगर नहीं है तो कमेंट करके आप तुरंत पूछ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जब इस टाइप के आप सॉल्व करोगे तो बेसिक क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे ठीक है
ट्राई करो और इसका आंसर बताओ. लेट आई वन बी द आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड आई टू बी द आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इन क्यू एक्स इफ आर वन इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन आई वन एंड आर टू इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन आई टू देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ट्राई करो और जल्दी से आंसर करो क्या होगा. वट डू यू थिंक. आराम से सोच के और फिर आंसर करो कि क्या होगा. We will see that. Irreducible and I2 reducible हो जाएगा. ठीक है दिवेश, मतलब जो polynomial से generate हो रहा है वो एक irreducible है एक irreducible है. We will see that. तो कौन सा option कौन से correct होंगे बताओगे जरा. B most आप लोगों ने answer किया है ना. B इसी का answer क्या आपने. Okay fine. Demon, दिवेश, MD, Shalakshi, अजीत, नीता, भाग्यश्री, जतिन, फाइन, सब ने बी आंसर किया. फाइन, लेट्स सी दैट. तो क्या ऑप्शन है पहला में क्या दिया रही. आर वन अपॉन आर वन इज इक्वल टू क्यू एक्स अपॉन आई वन. क्यू एक्स अपॉन आई वन मतलब क्यू एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई आई वन इज वॉट आइडियल जनरेटेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. करेक्ट. एंड वी नो दैट दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू आई क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है irreducible polynomial है. तो field बताने के लिए जरूरी नहीं कि नहीं कि आपको पता हो कि qi क्या isomorphic. अगर आपको ये पता है कि x square plus 1 irreducible है, that is sufficient, है ना. irreducible है तो question print क्या बन जाता है, field बन जाता है. अगर कभी भी fx, वैसे बहुत बार बताया होगा आपको fx upon ideal generated by f of x, ऐसे अगर आपको दिया है f is a field and f of x is an irreducible polynomial over f, then ये question print क्या बन जाता है, field बन जाता है. तो ये क्या बन गया, ये field बन गया. मतलब r1 is a field. R1 क्या है आपका, फील्ड है. R1, R2 आर फील्ड. लेट सी दैट. R2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं. R2 क्या है, Qx अपॉन I2. I2 इज व्हाट, I2 इज Qx अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन. इसको देख के आपको लग रहा होगा कि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ एक्स माइनस वन बचेगा, यहाँ पे प्लस वन कॉमन ले लूँ अगेन एक्स माइनस वन. सो दिस इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, समथिंग लाइक दैट, है ना. तो ये रिड्यूसिबल है तो ये इवन इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा. फील्ड तो होना दूर है, इंटीग्रल डोमेन भी नहीं होगा, है ना. सो आर वन एंड आर टू आर फील्ड, ये गलत है. आर वन इज अ फील्ड एंड आर टू इज नॉट ए फील्ड, दिस इज करेक्ट. वेरी गुड, टू इज द करेक्ट ऑप्शन. आर वन इज एन इंटीग्रल डोमेन बट आर टू इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी तो करेक्ट है. आर वन इज एन इंटीग्रल डोमेन बट आर टू इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, ये भी करेक्ट है. करेक्ट है. थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. डू यू अग्री आर नॉट, राइट. ये भी करेक्ट है. आर वन इज एन इंटीग्रल डोमेन बट आर टू इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, अगर एम एस क्यू क्वेश्चन आप मान के चलते हो तो, है ना. एम सी क्यू अगर आंसर करना है तो आपका टू करेक्ट है बट थ्री इज ऑल्सो करेक्ट. Do you agree? And the fourth option is R1 and R2 are not integral domains. ये गलत है क्योंकि R1 हमारा कैसा है, integral domain है. उम्मीद है सबको clear है. अगर किसी को doubt है, नहीं clear है तो आप पूछ सकते हो. चलो next question करते हो, जिसका answer बताओ जल्दी से क्या होगा. What do you think? बिल्कुल. Three was also the correct option. I do agree कि आप लोग शायद MCQ के जैसे हर एक question देख रहे हो. ठीक है, कोई बात नहीं है. इसको answer करिए. Which of the following statement is necessarily true for a commutative ring with unity? कोई CRU हमारे पास है, commutative ring with unity. Let's say R, उसको अगर मैं नाम दे दूं, तो उसके बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सोचो और फिर आंसर करो. अच्छा क्वेश्चन है, देखो. ठीक है, अच्छी बात है, आपको क्लियर है. अगर कोई CRU में कंसिडर करता हूं commutative ring with unity R, then which of the following is R correct?
ठीक है, फाइव एंड सेवन, यू थिंक बी करेक्ट है, वी विल सी दैट। और बताइए, और एक चीज फिर से ध्यान रखिए कि सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं, हो सकता है आपको एक करेक्ट मिल जाए, बट डू चेक फॉर ऑल द ऑप्शंस। ओके, टू करेक्ट है, टू का कोई एग्जांपल बताओगे? आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल्स, डू यू हैव एनी एग्जांपल शिवानी या फिर कोई और बताना चाहे? ठीक है अजीत, एन करेक्ट है, एन कौन सा ऑप्शन है? Which of the following statement is necessarily true for a commutative ring with unity? What do you think? B correct. Okay, fine. We will see that as it. बाकी सब answer करो जल्दी से. What do you think? R may have no maximal ideal. क्या ऐसा कोई commutative ring with unity हो सकता है जिसके पास कोई maximal ideal हो ही ना? ऐसा हो सकता है? R can have exactly two maximal ideal. क्या ऐसा कोई commutative ring with unity हो सकता है जिसके पास एग्जैक्टली दो मैक्सिमल आइडियल्स हो? एंड आर कैन हैव वन और मोर मैक्सिमल आइडियल्स बट नो प्राइम आइडियल, क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है एक या एक से ज्यादा मैक्सिमल आइडियल हो पर प्राइम आइडियल हो ही ना? लास्ट ऑप्शन इज आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल, कम से कम दो प्राइम आइडियल्स हो, क्या ऐसे रिंग जरूरी है कि एग्जिस्ट करे सीआरयू के पास? ओके फाइन, जेड टू कंसिडर कर सकते हैं, फाइन। आर कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल्स, पर जेड टू के पास जतिन डू यू थिंक कि दो मैक्सिमल आइडियल्स है? Z2 अपने आप का मैक्सिमल आइडियल हो सकता है क्या? Z2 के पास दो आइडियल्स होंगे, करेक्ट है, जीरो एंड Z2। पर Z2 अपने आप का, इसके पास तो केवल एक ही मैक्सिमल आइडियल है ना, ये अपने आप का कभी कोई मैक्सिमल आइडियल होता है क्या? नहीं ना, राइट। तो क्या एग्जांपल हमारे पास हो सकता है कोई इसके लिए? R कैन हैव एग्जैक्टली टू मैक्सिमल आइडियल, एक्चुअली टू इज द करेक्ट ऑप्शन, बट यू शुड हैव सम एग्जांपल, राइट, तभी तो आप आंसर कर पाओगे। एक एक करके देखते हैं, आर मे हैव नो मैक्सिमल आइडियल, ये गलत है, कोई ना कोई तो मैक्सिमल आइडियल होगा ही उसके पास। जैसे कोई रिंग आर है, मान लिया उसके पास कोई आइडियल जीरो और आर के, जीरो और आर हमेशा होगा क्योंकि नॉन जीरो आइडियल है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, नॉन जीरो एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट है, तो जीरो एंड आर आपका क्या होगा? दो आइडियल होंगे। अगर कोई और आइडियल इनके अलावा नहीं एग्जिस्ट करता है तो जीरो हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास हो सकता है Z, P, Q, आप लोगों ने आंसर किया, ठीक है, फाइन, वी विल सी दैट। डेमोन A इज नॉट करेक्ट, है ना, कोई ऐसा रिंग बताइए जिसके पास कोई भी मैक्सिमल आइडियल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। P, Q प्राइम होंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट दिवेश, ये हम कंसीडर कर सकते हैं ना, Z, P, Q कंसीडर कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा एन, ZN के पास मैक्सिमल आइडियल कितने होते हैं? द नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स इन ZN इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स ऑफ एन, जितने डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होते होंगे उतने मैक्सिमल आइडियल। तो कोई भी एन आप जेड एन में ऐसा कंसीडर कर लो जिसके पास दो ही प्राइम डिवाइजर हो, आप जेड टेन ले सकते हो, है ना, आप जेड ट्वेल्व ले सकते हो, जेड ट्वेल्व ले सकते हो, जेड फोर्टीन ले सकते हो, दो डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर होने चाहिए। जैसे अगर मैं जेड टेन लेता हूं तो इसके पास केवल दो प्राइम आइडियल्स होंगे विच इज टू जेड टेन एंड टू मैक्सिमल भी होंगे फाइव जेड टेन, इज दैट ओके? तो आपके पास ऐसे सीआरयू कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी हो सकते हैं जिनके पास एग्जैक्टली दो मैक्सिमल आइडियल्स हो। उम्मीद है आपको क्लियर है, पहले वाले ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसा कोई रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके पास एक भी मैक्सिमल आइडियल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसे समझिए आप। देखिए मान लिया ये रिंग आर है, जीरो हमेशा हमारा क्या होगा? आइडियल होगा ही होगा, राइट। अगर इनके अलावा कोई आइडियल नहीं एग्जिस्ट करता है तो जीरो मैक्सिमल आइडियल हो गया इसके अंदर जो जीरो एलिमेंट है ना। अगर मान लिया इसको कंटेन करने वाला एक आइडियल है ये, और इसके अलावा और कोई आइडियल नहीं है तो ये वाला मैक्सिमल आइडियल, अगर इसको कंटेन करने वाला एक है तो ये मैक्सिमल आइडियल, है ना। तो मैक्सिमल आइडियल कम से कम एक तो जरूर होगा, देयर आर मे नॉट हैव एनी मैक्सिमल आइडियल, दिस इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, आर कैन हैव वन और मोर मैक्सिमल आइडियल्स बट नो प्राइम आइडियल, ये क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि सीआरयू में, इन ए सीआरयू, इन ए सीआरयू मैक्सिमल इंप्लाइज क्या होता है? प्राइम होता है। हर एक मैक्सिमल आइडियल कैसा होता है? प्राइम आइडियल होता है। और यहां पे आप बोल रहे हो कि एक या एक से ज्यादा मैक्सिमल आइडियल है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्राइम आइडियल ना हो? जब एक या एक से ज्यादा मैक्सिमल आइडियल है तो वो प्राइम भी बन जाएंगे। सो थ्री इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, आर हैज एटलीस्ट टू प्राइम आइडियल्स, ये भी गलत है। वी कैन हैव एग्जांपल्स ऑफ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिनके पास केवल एक होगा, जो कि आपने बताया था जेड टू, आपने बताया था, राइट, वी कैन कंसीडर जेड टू। या फिर आप कोई भी फील्ड ले लीजिए, उसके पास केवल एक ही मैक्सिमल आइडियल होगा। कोई फील्ड एफ अगर आप कंसीडर करते हो तो एफ के पास दो ही आइडियल्स होते हैं, जीरो एंड एफ इटसेल्फ, करेक्ट। एफ अपने आप का हो नहीं सकता मैक्सिमल आइडियल, बचा कौन सा? जीरो, ये हमेशा मैक्सिमल आइडियल होता है। तो हमारे पास ऐसे कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी हो सकते हैं, फील्ड इज ऑलवेज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। तो हमारे पास ऐसे सीआरयू हो सकते हैं
जिनके पास दो प्राइम आइडियल्स ना हो, राइट, दिस इज द प्राइम आइडियल ओनली फॉर एनी फील्ड एफ, इज दैट क्लियर? सो फोर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ओनली ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन. किसी को अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, 86 नंबर जो था, है ना, एब्सोल्युटली बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. वैसे ही चेक करना है आपको क्वेश्चन ट्रिंग फील्ड बनने के लिए जो नीचे आपने आइडियल लिया है वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट होना चाहिए. देखो, सोचो और फिर आंसर करो. D, okay, fine, Damon, we will see that. Neither F1 nor F2 is filled. Fine. What about others? बाकी लोगों को दिख रहा है कुछ? बहुत मुश्किल तो नहीं है. आपको केवल क्या चेक करना है, जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं ओवर द गिवन फील्ड whether they are irreducible or not. अगर irreducible है तो फील्ड है, नहीं है irreducible है तो फील्ड नहीं है. सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? We will see that. Is it fine? और बाकी सब आंसर करो जल्दी से. Divya shooting D, fine. और बताइए. MDD और बताइए बाकी सब आंसर को जल्दी से, देन वी विल सी कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी वन बाय वन. तो अपन क्या करते हैं, ये पॉलिनोमियल हमें देखना है. सिंपल क्या चेक करना है, ओके फाइन, सोनाक्षी, अनीता, फाइन, शिवानी, डी, जतिन, डी, फोर. ओके, सो आई थिंक सो कि डी ही करेक्ट होना चाहिए, आप सबको लग भी रहा है. सो फोर इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स सी दैट. तो ये अगर पॉलिनोमियल आप देखोगे, दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिबल, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 को अपन लिख सकते हैं, x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट? सो दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, अगर कॉमन ले लें तो x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 2 व्हिच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1. दो पॉलिनोमियल्स में रिड्यूस हो गया ये पॉलिनोमियल, और ये दोनों पॉलिनोमियल क्यू के ही है, मतलब ओवर क्यू ये रिड्यूस हो जा रहा है, दोनों नॉन यूनिट्स है तो रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो गया. फाइन, अगर रिड्यूसिबल है तो ये फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि I1 जो हमारा आइडियल है दैट विल नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल. मैक्सिमल आइडियल तभी होता है जब इरिड्यूसिबल एलिमेंट से जनरेट हो, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट हो. तो ये मैक्सिमल नहीं रहेगा, मैक्सिमल नहीं है तो ये फील्ड नहीं होगा. सो दिस इज नॉट ए फील्ड. इन द सेम वे इसको अगर आप देखोगे तो ये जो पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 1, इसके तो आपको सबको फैक्टर पता है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी आपका क्यू में रिड्यूस हो जा रहा है. तो ये दोनों चूंकि रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है इसलिए ना तो F1 ना ही F2 फील्ड होगा. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. किसी को अगर कुछ डाउट है, नहीं क्लियर है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर आप MSET 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज आप लोग बाई कर सकते हो जस्ट फॉर 99 rupees. 30% ऑफ है जब भी आप एनरोल करने जाते हो. IFS30 आपको प्रोमो कोड यूज करना है और टेस्ट सीरीज आपको जरूर देना चाहिए. फिर उसके बाद में लेक्चर सीरीज भी एक्सक्लूसिव ऑनलाइन लेक्चर सीरीज अवेलेबल है, उसमें आप एनरोल कर सकते हो, है ना. एंड उसके अलावा एक टेस्ट भी आपके लिए ऑर्गेनाइज हो रहा है, एब्सोल्युटली फ्री मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि 22 मार्च 2024 को आप सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एक्चुअली, है ना, क्योंकि वो तो डेट निकल चुका है, तो स्टार्ट हो चुका है. एब्सोल्युटली फ्री एक मॉक टेस्ट आप दे सकते हो और 8 AM ऑनवर्ड, मतलब 22 से स्टार्ट हो चुका है, इसमें आप एनरोल करके इसको टेस्ट को भी आप दे सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा. लेट आर विद द रिंग एंड एन विद द set of nilpotent elements, that is n is equals to x belongs to R such that x to the power n equals to 0 for some n belongs to n, which of the following is true? Iska answer kariye kya hoga? What do you think? N is an ideal of R, n ek ideal hoga. N is never an ideal in R, n kabhi bhi ideal nahi hoga. If R is non-commutative, N is not an ideal. If R is commutative, N is an ideal. So what do you think is the correct option? देखो फिर आंसर करो. अच्छा क्वेश्चन है और ये 2022 या फिर 23 ऐसा नेट में पूछा गया है. आप सब जो भी MSET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबको मैं सजेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप
गेट के जितने क्वेश्चंस है प्रीवियस क्वेश्चन उनको एक बार सॉल्व करिए, नेट के जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतने ज्यादा करिए। बहुत ज्यादा अगर कोई मुश्किल लगता है तो उसको आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एमएस सेट का थोड़ा सा लेवल नेट के लेवल से कम रहता है ना, उतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर वो आप बना लेते हो तो बाकी भी आप आसानी से बना लोगे। बागेश्री वी विल सी दैट ए शिवानी यू थिंक बी ओके जतिन यू थिंक फोर नीता ए डेमोन डी एम डी यू थिंक डी करेक्ट है ओके वी विल सी दैट सी देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एन इज एन आइडियल ऑफ आर ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये क्यों जरूरी नहीं है, अगर आर कॉम्पिटेटिव रिंग नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ये कैसा हो आपका आइडियल हो आर का। ऐसा क्यों होता है, शायद मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हो, जब आप इसको रिंग वेरीफाई आइडियल वेरीफाई करने जाओगे तो इसको क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रैक्शन हो जाए होना होगा राइट, वो भी हो जाएगा। एक्स वन अगर लेट्स से बिलोंग्स टू एन है, x2 belongs to n है, तो आपको क्या दिखाना होगा कि x1 minus x2 this also belongs to n। तो ये तब belong करेगा जब आपका ring कैसा commutative, क्योंकि जब आप इसका x1 minus x2 to the power let me say some अगर x1 nilpotent element है then x1 to the power some n is equals to 0 होगा, x2 to the power some m is equals to 0 होगा, तो आप क्या कर सकते हो m plus n minus 1 ले सकते हो, ये power काम करेगा ना। इससे जब आप इसको ओपन करोगे तो जीरो ले लेगा, पर ओपन करने ये तब ओपन आप कर सकते हो जब रिंग कैसा हो कम्यूटेटिव रिंग हो, अदरवाइज इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है अगर रिंग कम्यूटेटिव ना हो। ऐसे ही अगर कोई रिंग का एलिमेंट आर बिलोंग्स टू आर लेते हो और एक्स एलिमेंट लेट से मैंने इससे एन से ले लिया, तो आपको क्या दिखाना है कि आर एक्स विल आल्सो बी ए निलपोटेंट एलिमेंट। तो ये आप इन जनरल तभी दिखा सकते हो जब रिंग कैसा हो कॉम्यूटेटिव हो, नहीं अगर कॉम्यूटेटिव है देन यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन जनरल। वैसे कभी कभी हो भी सकता है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं एग्जांपल, तो ये आपका गलत है, इन जनरल ऐसा ट्रू नहीं है। एन इज नेबर एन आइडियल ऑफ आर ये तो गलत है, अगर मैं आर को आर इज कॉम्यूटेटिव अगर आर को कॉम्यूटेटिव ले लूं तो ये आपका कैसा हो जाएगा, हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये भी आपका क्लोज विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रक्शन भी हो जाएगा एंड ये भी एलिमेंट आपका आर एक्स विल आल्सो बी इनसाइड एन आ जाएगा। ये बहुत ईजी है दिखाना है ना, x अगर nilpotent एलिमेंट है तो x टू द पावर सम n इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। तो r x टू द पावर जब आप n कर दोगे दिस इज नथिंग बट r टू द पावर n इनटू x टू द पावर n करेक्ट, ये भी हो जाएगा क्योंकि कम्यूटेटिव रिंग है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि x टू द पावर n क्या है जीरो है करेक्ट। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट इफ r इज नॉन कम्यूटेटिव n इज नॉट एन आइडियल, अगर ऑप्शन वन की हम बात करें तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेटिव चाहिए, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर आर कॉम्पिटेटिव ना हो तो एन आइडियल नहीं होगा, ये भी नहीं बोल सकते, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऐसा कई केसेस में हो सकता है जब कॉम्पिटेटिव रिंग नहीं है फिर भी एन आइडियल हो जाए, इन जनरल ये बोलना गलत है कि इफ आर इज ए रिंग देन एन इज एन आइडियल ऑफ आर, है ना, उसके लिए कॉम्पिटेटिविटी इन जनरल हमें चाहिए। पर कई ऐसे रिंग्स हैं जहां पे रिंग कॉम्पिटेटिव नहीं भी है फिर भी उसमें निलपोटेंट एलिमेंट का कलेक्शन बन जाएगा, उसके लिए एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं आर को लेट से डिवीजन रिंग ले लो, इफ आई कंसीडर आर एज ए डिवीजन रिंग, डिवीजन रिंग आपको पता है ये पूरा फील्ड है पर कॉम्पिटेटिविटी इसमें नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हो ना। तो अगर मैं इसको डिवीजन रिंग लेता हूं तो इसमें सारे नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और हमें पता है कि निलपोटेंट एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो डिविजर्स होते हैं, हर एक निलपोटेंट एलिमेंट या तो जीरो होता है या जीरो डिविजर, तो इसके पास कोई जीरो डिविजर नहीं है, है ना। तो अगर मैं एन लूंगा तो एन में क्या आएगा, केवल जीरो एलिमेंट, एंड दिस इज एन आइडियल ऑफ आर, ये आइडियल है आर का, पर क्या आर कॉम्पिटेटिव है, नहीं है। तो इफ आर इज नॉन कॉम्पिटेटिव एन इज नॉट एन आइडियल ऑफ आर ये बोलना गलत है, ठीक है। इसके लिए डिविजन आपका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट इफ आर इज कॉम्पिटेटिव एन इज एन आइडियल, ये तो इसमें तो कुछ डाउट है ही नहीं, फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे डेमोन, पीएससी का एग्जाम कब होगा, पीएससी में कौन सा, आप किस एग्जाम की बात कर रहे हो, एमपीबीएससी या फिर कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज ए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये जल्दी से इसका आंसर करिए, शायद इससे पहले आपने किया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इनमें से कौन सा रिंग एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, देखो सोचो और फिर आंसर करो। देखो जरा एमपीपीएससी और एमपीएससी दोनों, सी मुझे अभी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है कि कब होगा एग्जाम, ठीक है। जब भी आपका कोई डेट वगैरह आता है, जो भी नोटिफिकेशन आता है, तो आपको वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है।
भाग्यश्री यू थिंक ए करेक्ट है, जतिन यू थिंक ए करेक्ट है, ओके वी विल सी दैट। और बताइए जरा बाकी लोग सब आंसर करो इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इनमें से कौन सा रिंग एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है? नीता ए करेक्ट है, ओके सोनाक्षी ए, ओके डेमोन यू थिंक ए करेक्ट है, ओके एम डी ए, और कोई नहीं बनेगा। ये सिंपल है बहुत, है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर ये आपको पता है कि किसके आइसोमॉर्फिक है, क्यू एक्स बाई अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू बाई के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। किसके आइसोमॉर्फिक हुआ? क्यू बाई। और हमें पता है कि पॉलिनोमियल रिंग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है अगर रिंग हमारा कैसा हो, फील्ड हो। क्यू चूंकि फील्ड है तो ये कैसा हो जाएगा? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, सिंस क्यू इज ए फील्ड, क्यू इज ए फील्ड। Is that clear? ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज करेक्ट। बाकी के बारे में देखते हैं, जेड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड, ये तो आपका इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है, मुझे लगता है आपको सबको पता है। 1,0 इंटू 0,1, ये दो एलिमेंट दोनों नॉन जीरो, इनका प्रोडक्ट करने पर 0,0 हो रहा है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है। एंड एवरी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन इज एन इंटीग्रल डोमेन, सिंस इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये नहीं बन सकता ना। कि द फाइन अजीत, ओके फाइन शिवानी, ओके लेट्स सी। जेड एक्स की अगर हम बात करें तो ये भी आपका नहीं होगा, दिस इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। वाई दिस इज नॉट प्रिंसिपल आइडियल डोमेन? सिंस जेड इज नॉट ए फील्ड। कोई भी पॉलिनोमियल रिंग तभी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन बन सकता है जब रिंग कैसा हो, फील्ड हो, तो ये गलत है। एम टू जेड, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, वी ऑल नो दिस राइट, तो ये भी आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, लेट मी से इज आर या फिर आर मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ जेड एक्स, इनमें से कौन सा जेड एक्स का मैक्सिमल आइडियल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट मी सी आपके आंसर करोगे। Ideal generated by 2 and 1 plus x square, ideal generated by 2 and 1 plus x square, ideal generated by 3 and 1 plus x square, and ideal generated by 3 and 1 plus x square. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको बहुत आसान लगे। कुछ एक बार ट्राई करिए और फिर बताइए मुझे। इसको मैं अगर I1 नाम दे दूं, लेट्स से I1 अगर आइडियल दे तो आइडियल, I1 आइडियल क्या है? जनरेटेड बाई 2,1 plus x square. ठीक है, अगर मैं इसको I2 नाम दूं तो आइडियल जनरेटेड बाई 2,1 plus x square, एंड देन इसको अगर मैं I3 नाम दूं, दिस इज आइडियल जनरेटेड बाई 3,1 plus x square, देन इसको अगर मैं I4 नाम दूं, I4 इज इक्वल्स टू आइडियल जनरेटेड बाई 3,1 plus x square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, बस उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि कैसे इसको कर सकते हैं। एक बार अगर समझ जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन दो मिनट में आप कर लोगे, दो मिनट लगेगा भी नहीं। भाई देखो और फिर आंसर बताओ इसका क्या है, क्या आप लोग को लग रहा है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बी ओके नीता फाइन, वी विल सी दैट, आइडियल जनरेटेड बाई 2 एंड 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वी विल सी दैट, ओके फाइन। अजीत यू ऑल्सो थिंक 2, ओके और बताइए बाकी सब आंसर करो क्या लगता है आपको। देखो अगर आपको नहीं पता है, जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसको कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी आपको ऐसे देख रहा हूँ, पहली चीज तो ये कि अगर हमें ये आइडियल जनरेटेड बाई 2 कॉमा दिस क्या पूछा गया, मैक्सिमल, तो जब भी आपको मैक्सिमल प्राइम पूछा जाए डायरेक्ट देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अपन क्या करेंगे क्वेश्चन रिंग बना लेंगे। अगर क्वेश्चन रिंग फील्ड है तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमल हो जाएगा। क्वेश्चन टेक फील्ड नहीं है तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय लेट मी से एन कॉमा सम पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसे आपको दिया गया है ये किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन एक्स, बस इतना आपको पता होना चाहिए, जेड एन एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय एफ ऑफ एक्स। इसमें बहुत ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि कहां से आ गया, इस n की वजह से जो n के मल्टीपल्स होते हैं वो सब इसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, तो जो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल्स के बचते हैं वो n से छोटे बचते हैं, इसलिए znx हो जाता है। एक मैप भी आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू znx अपॉन आइडियल जनरेटेड बाय f(x)। अभी आपको बताया कि ये कब फील्ड होता है, दिस इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली पहले तो zn फील्ड होना चाहिए, zn इज अ फील्ड, zn इज अ फील्ड एंड सॉरी एंड f of x is irreducible over zn, is irreducible over zn, बस हो गया क्वेश्चन over zn। चलिए देखते हैं, जैसे i1 अगर मैं कंसीडर करूं इसको, लेट्स से हमें ये देखना है, तो अपन क्या करेंगे,
जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। दिस इज अ रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल बिकॉज 1 इज अ रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 1 प्लस 1 रखोगे 0 हो जाएगा मॉड्यूलो 2 करने पर, है ना। तो ये चूंकि रिड्यूसिबल है, दिस इज नॉट ए फील्ड, अगर ये फील्ड नहीं है, दिस कैन नॉट बी ए मैक्सिमल आइडियल। इन द सेम वे अगर मैं इसको देखूंगा तो इसके करेस्पॉन्डिंग एक मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। ओके फाइन, वी विल सी दैट, काफी लोगों ने अपने आंसर किया है, ठीक है, वेरी गुड। सो लेट्स सी, फाइन वी विल सी दैट बी एंड सी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दूसरा अगर मैं आई टू हमें देखना है तो अपन क्या करेंगे, जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 2, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, 2, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टू एक्स अपॉन, जेड टू फील्ड है इसमें तो कोई डाउट है नहीं, है ना, अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इरिड्यूसिबिलिटी हम इसके रूट टेस्ट से चेक कर सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 3 मॉडुलो 2 इज इक्वल टू 1, 0 नहीं हो रहा है ना। उसके बाद 0 रखोगे तब भी 1, तो 0 और 1 दोनों ही रूट नहीं है ओवर जेड टू, इसलिए ये कैसा हो गया, इरिड्यूसिबल ओवर जेड टू हो गया। ये कैसा हो गया, फील्ड हो गया। और ये अगर फील्ड है तो आइडियल जनरेटेड बाई दिस इज ऑल्सो फील्ड, है ना। जब ये भी फील्ड है तो ये आइडियल जनरेटेड बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा हो गया, मैक्सिमल आइडियल, ये करेक्ट हो गया। इन द सेम वे अपन क्या कर सकते हैं, इन दोनों को चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग जब आप क्वेश्चन निकालोगे तो क्या बनेगा, जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी आइसोमॉर्फिक टू जेड थ्री एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला पॉलिनोमियल ओवर जेड थ्री इरिड्यूसिबल है, यू कैन चेक दैट। 0 रखोगे तो 1 मिलेगा, 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, और 2 रखोगे तो 2 to the 4 प्लस 1, 5 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 2। तो 0, 1 और 2 कहीं पे भी 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब ये इरिड्यूसिबल ओवर जेड थ्री है। तो ये कैसा हो गया, ये फील्ड हो गया। अगर ये फील्ड हो गया तो ये कैसा हो जाएगा आपका, मैक्सिमल आइडियल। अब इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये पॉलिनोमियल दिख रहा है कि 1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन जेड थ्री, करेक्ट है। अगर आप इसको लेते हो जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 3, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड थ्री एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका कैसा, रिड्यूसिबल, क्योंकि 1 रूट है। तो इवन दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, अगर कोई आपसे पूछे कि प्राइम आइडियल है तो आंसर क्या होगा, दिस इज नॉट इवन ए प्राइम आइडियल। सो ऑप्शन 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शन, आप सबने आंसर किया भी है, 2 और 3 करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर बी और सी बोल सकते हो। क्या सबको क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, आई सपोज दैट सबको क्लियर है। अगर नहीं है तो आप पूछ सकते हो, ये सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, रिंग थ्योरी के ऐसे बहुत मुश्किल नहीं होते हैं, ठीक है, देखिए और फिर इसका आंसर बताइए। टोटल नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 122, ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है। 122 ऑर्डर के नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स कितने होंगे ये आपको बताना है, मतलब 122 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स हो सकते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, यही पूछा गया। देखिए और फिर आंसर करिए, बहुत अच्छी बात है, आपको क्लियर है। तो प्लीज नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताओ ओवर जेड पी, जतिन वी विल टॉक अबाउट दैट। मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल आप जतिन निकाल सकते हो, ऐसे इन जनरल कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना, मोनिक इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है। इसका आंसर करिए, बी, फाइन वी विल सी दैट, बी काफी लोगों को लग रहा है। T61 करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो 122 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 122 इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 into 2 6 12 2 1 2, करेक्ट। सो 2 into 61 इज अ प्राइम नंबर, सो दिस इज समथिंग लाइक 2p ग्रुप, है ना, 61 इज प्राइम। 2p ऑर्डर के दो ही ग्रुप होते हैं, या तो Z122 हो जाएगा और इट विल बी D61, इसके अलावा कोई भी ग्रुप नहीं होता है।
2p ऑर्डर के दो ग्रुप होते हैं, या तो z2p और dp. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जल्दी से. Let R be a boolean ring with identity having n element, then which of the following values of n is possible? तो इनमें से n का कौन सा value possible हो सकता है ये बताना है आपको. Answer होगा B, A. Okay, fine. Priyanka, Shibani, B. Sir, last का answer क्या आपने? Nita, you think A, Damon, Bhagyashree, Gita, Jatin, A, B, C. Okay, fine. और बताइए. अजीत सी, ओके. सब आंसर करो. देखो कोई भी बूलियन रिंग अगर होता है, अगर फाइनाइट बूलियन रिंग लेते हो तो z2 क्रॉस z2 ऐसा होता है, या तो वो z2 टाइप का होगा, या फिर z2 क्रॉस z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, या फिर z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2 के आइसोमॉर्फिक होगा. कोई भी बूलियन रिंग फाइनाइट ऐसा ही होता है. अगर आप लेते हो तो z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2 n टाइम्स ऐसे कुछ इसी टाइप का होता है बूलियन रिंग. ठीक है, कोई भी बूलियन रिंग z2 क्रॉस z2 क्रॉस z2 के आइसोमॉर्फिक होता है फॉर सम लेट मी से n टाइम्स, है ना. तो उसका अगर ऑर्डर आप निकालोगे, द ऑर्डर ऑफ r मस्ट बी इक्वल्स टू सम 2 टू द पावर n. इन सब का ऑर्डर निकालोगे तो क्या होगा, सम 2 टू द पावर में आना चाहिए. तो अगर आप नोटिस करोगे 2 टू द पावर 5 केवल यही है, उसके अलावा ना तो ये ना ये ना ये कोई 2 की पावर में नहीं है. ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट है ना प्रियंका, राइट. करेक्ट. सो ऑप्शन 1 आर ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. किसी भी फाइनाइट बूलियन रिंग का ऑर्डर सम 2 टू द पावर n ही होता है. ठीक है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स 0 इज अ प्राइम आइडियल. इनमें से कौन से रिंग्स हैं जिनमें 0 एक प्राइम आइडियल है, बताइए. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स 0 इज अ प्राइम आइडियल. मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि 0 प्राइम आइडियल कब हो सकता है. 0 प्राइम आइडियल तब हो सकता है जब इससे बाहर लेट्स से मैं अगर ए बी बिलोंग्स टू 0 कंसीडर करूं. ए बी बिलोंग्स टू 0 मतलब ए बी इक्वल्स टू 0, राइट. ए बी इक्वल्स टू 0 क्योंकि 0 ही उसके अंदर है ना. तो प्राइम होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ए बिलोंग्स टू 0 होना चाहिए और बी बिलोंग्स टू 0 होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू 0 मतलब ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0. तो ये समझ आ रहा है कि 0 इज अ प्राइम आइडियल इन एनी रिंग आर इफ एंड ओनली इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन. अगर रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो 0 प्राइम आइडियल होगा, अदरवाइज नहीं. तो आपको क्या चेक करना है कि इनमें से कौन से इंटीग्रल डोमेन्स हैं, ये आपको चेक करना है. देखो फिर आंसर करो. ऑल ओके फाइन. बी एंड सी किसी को लग रहा है. भाग्यश्री यू थिंक ए बी सी. नीता ए बी सी. एम डी ए बी एंड सी. ओके फाइन, बाकी सब आंसर करो जल्दी से. व्हाट डू यू थिंक, बस आपको क्या चेक करना है, इंटीग्रल डोमेन चेक करना है कि इनमें से कौन बनेंगे. तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन है. व्हाई, बिकॉज 19 इज प्राइम एंड 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4. 4 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर भी 3 आ रहा है, तो ये इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा. यही कंडीशन है, शायद आपको पता होगा. z19 ये तो है ही 19 प्राइम है, तो zp इज अ फील्ड, तो ये भी हो जाएगा. z31 इज आल्सो करेक्ट. z31 प्राइम है तो ये फील्ड होगा, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा. z31i में अगर आप देखोगे तो 31 इज प्राइम, ये तो ठीक है, पर क्या 31 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4 है. 4 से अगर मैं डिवाइड करूं, 4 7 जा 28, राइट. 28 एंड 3, तो रिमाइंडर आपको 3 ही मिलेगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो दिस इज आल्सो एन इंटीग्रल डोमेन, वेरी गुड. तो ये एक्चुअली चारों ही करेक्ट ऑप्शन है. इन सम में 0 हमारा कैसा होगा, प्राइम आइडियल होगा. किसी को कुछ कंफ्यूजन, ठीक है. तो इन सारी रिंग्स में कैसा होगा, 0 इज अ प्राइम आइडियल. ये पॉइंट नोट कर लीजिए, क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि आपको समझना है कि 0 इज अ प्राइम आइडियल इन एनी रिंग आर इफ एंड ओनली इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसका बहुत जल्दी आंसर करोगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. द आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज अ प्राइम आइडियल इन जेड एक्स. द आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज अ मैक्सिमल आइडियल इन जेड एक्स.
द आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज मैक्सिमल आइडियल इन आर एक्स, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ठीक है, और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तो आपको जेड पता ही है ना, जेड इंटीजर्स। देखो और आंसर करो जल्दी से, क्या लगता है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बाकी सी यू थिंक वी, ओके, और बताइए, एंड आई थिंक यू आर राइट, बाकी के सारे ऑप्शन करेक्ट है, ओके फाइन, नीता, प्रियंका, फागीश्री, बी, सोनाक्षी, डेमन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, केवल यही नहीं ट्रू है, बाकी ये सारे ट्रू है, बहुत सिंपल है राइट। देखिए आपको क्या पता करना है, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इस रिंग में कैसा प्राइम है, मैक्सिमल है, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन रिंग बनाना होगा, तो आप अगर जेड एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स बनाओगे तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, जेड के आइसोमॉर्फिक, बिकॉज वी नो दैट आर एक्स अपॉन आइडियल जनरेटेड बाई एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू आर, तो जेड कैसा, दिस इज इंटीग्रल डोमेन बट नॉट फील्ड, बट नॉट फील्ड, अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये प्राइम बन गया, फील्ड नहीं है तो मैक्सिमल नहीं बनेगा, सो आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ प्राइम आइडियल, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो दिस विल बी डिस्कार्डेड बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉट ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट, तो ये आपका कैसा हो गया, गलत हो गया, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ मैक्सिमल, ये अभी हमने बात किया क्योंकि फील्ड नहीं है तो मैक्सिमल नहीं होगा, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, आइडियल जनरेटेड बाय एक्स इज अ मैक्सिमल, ये तो हमें पता ही है कि आर एक्स अपॉन ideal generated by x, this is isomorphic to set of real numbers r, this is a field and ye field hai to iska matlab ye maximal ideal hai, bilkul correct hai, to discard ho gaya, in the same way agar aap cx upon ideal generated by x karenge to isomorphic iske ho gaya c, ye bhi field hai to integral domain bhi hoga, integral domain hai to ye prime ideal ho gaya, bilkul correct hai, to ye bhi discard ho gaya, only option b is not true, baki sare kaise hai, ट्रू है, ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है जिसने बी आंसर किया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए जल्दी से, फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन, लेट जेड वाई एन जेड स्टार विद अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ एम एस सेट हॉल टिकट रिलीज्ड, ओके शिबानी, कब रिलीज हुआ, अभी जस्ट रिलीज हुआ, ओके फॉर, या फिर पूछ रही हो आप, फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन, जेड वाई एन जेड स्टार be the group of units of z y n z, which of the following groups are cyclic, to unme se kaun se group cyclic hai ye aapko batana hai, socho jaldi se aur fir iska answer karo, what do you think, okay just now release hua hai, bahut achhi baat hai, thank you for the information, baki sab bhi jo log mset ka exam de rahe ho आप सब हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा शिवानी ने बताया है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, और अगर ऐसा है तो फिर आपको वीडियो प्रॉपर बना देंगे हम लोग, तक कैसे आपको डाउनलोड करना है उन सारी चीजों को लेके, ठीक है, चलो इसका जल्दी से आंसर करो, फॉर एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू वन, जेड वाई एन जेड स्टार विद अ ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ जेड वाई एन जेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर साइक्लिक, इनमें से कौन से ग्रुप साइक्लिक है ये आपको बताना है, बहुत सिंपल है ये, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, आपको पता है कि ये डिनोट क्या करता है, जेड वाई टेन जेड स्टार का क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स का को ही तो आप यूएन बोलते हो ग्रुप, तो ए की अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, जेड बाई टेन जेड स्टार, दिस इज नथिंग बट जेड बाई टेन जेड मतलब जेड टेन, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू जेड टेन स्टार, जेड टेन स्टार इज नथिंग बट यू टेन ग्रुप की बात हो रही है ना, यू टेन ग्रुप के बारे में क्या बोल सकते हैं, इन द सेम भी बाकी सबके बारे में भी सोच सकते हैं मैम, फाइन, तो बाकी सबके बारे में भी सोचिए, पहले तो इसके बारे में, यू टेन आपका कैसा साइक्लिक है या फिर नहीं है, एज इट यू थिंक वन करेक्ट है या फिर क्या किया आंसर आपने, ओके एज इट डी वागीश्री, डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके okay. एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, देन आपको सारे ऑप्शन चेक करने चाहिए ना, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, अगर मैं यू टेन की बात करूं तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यू टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यू फाइव, फाइव एंड टू रिलेटिवली प्राइम है, सो इफ यू सी यू टू कैसा है आपका, यू टू आपका जो है ट्रिपल ग्रुप है, और ट्रिपल ग्रुप के साथ अगर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आप लेते भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, या होमोमॉर्फिक किसके, सॉरी आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, यू फाइव के आइसोमॉर्फिक, क्योंकि ट्रिपल ग्रुप है, यू टू का ऑर्डर कितना आता है, वन आता है, यू फाइव इज आइसोमॉर्फिक टू जेड फोर, भाई ऑप्शन ए क्यों नहीं आंसर कर रहे हो आप, कोई डी करेक्ट है, आई डू एग्री विद यू,
ठीक है, एम डी प्रियंका, ए आपको नहीं दिख रहा, ए भी तो करेक्ट है, दिस इज यू 163 एंड 163 प्राइम है तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जेड 162 के, ये साइक्लिक है, आई डू एग्री विद यू राइट, बट ए भी आपका कैसा है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसकी बात करें दिस इज नथिंग बट यू एट ग्रुप एंड यू एट इज आइसोमॉर्फिक टू, यू कैन वेरीफाई जेड टू क्रॉस सिक टू, दिस इज दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर फोर, इसके पास चार ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं है। इन द सेम भी इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो, दिस इज यू हंड्रेड, यू हंड्रेड इज आइसोमॉर्फिक टू यू फोर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट यू फाइव स्क्वायर, दिस इज यू टू स्क्वायर है ना, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू यू फाइव स्क्वायर, सो इट इज आइसोमॉर्फिक टू, दिख रहा है आपको ये U4 आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z2 के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा U5 स्क्वायर, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू U5 स्क्वायर Z P टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1 व्हिच इज 5, तो ये आइसोमॉर्फिक हो गया Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z20 के, तो ये भी इसके पास 40 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी आपका कैसा होगा, साइक्लिक नहीं होगा। तो ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, उम्मीद है आपको क्लियर होगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है, नहीं क्लियर है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो बहुत जल्दी से, सिंपल है क्वेश्चन, इसका मैं बता भी चुका हूं सारे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं उनमें मैंने आपको बताया है, देखो और फिर इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स इन जेड हंड्रेड इज आर, जेड हंड्रेड में कितने प्राइम आइडियल्स होंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो, देन वी विल स्टॉप हियर। सी ओके, क्या नाम है आपका, भाग्यश्री, यू थिंक सी करेक्ट है, दो और बताइए बाकी सब, एंड वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, एम डी यूर राइट, प्रियंका यूर राइट, जितने भी डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स होंगे उतने क्या होंगे, प्राइम आइडियल्स होंगे। तो जेड हंड्रेड को, जेड हंड्रेड में हंड्रेड का अगर फैक्टराइजेशन करूं मैं तो आपको क्या मिलेगा, टू स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, कितने प्राइम्स इसको डिवाइड करते हैं, एक टू और एक फाइव, कोई ये बताना चाहेगा कि इसमें कौन से प्राइम आइडियल्स हैं, जेड हंड्रेड के दो हैं, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, ओके, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड सोनाक्षी, प्रियंका एंड जिसको भी सी लग रहा है शिवानी, राइट, सी इज करेक्ट, कौन से दो प्राइम आइडियल होंगे जल्दी से कमेंट करके बता सकते हो, अगर टू टू एंड फाइव आपके कैसे है डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स है तो कौन से दो प्राइम आइडियल जेड हंड्रेड के पास होंगे, मुझे मैं जानता हूं कि आप सबको पता है, आप क्या करिएगा कमेंट करके फिर इसका आंसर आप बता सकते हो बाद में भी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बाकी दूसरे फैकल्टी जुड़ेंगे और आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दैट लेक्चर फॉर टुडे, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड विल मीट इन अपकमिंग सेशंस, करेक्ट योर राइट शिवानी, है ना, टेक केयर एवरीवन and bye bye. Oh, my God.